हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न विद दितिमन। इन प्रश्नों से आपका कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आसमान में दिखने वाले सात तारों के समूह को क्या कहते हैं? सप्तर्षि मंडल, स्मॉल बियर, सॉस पैन, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? आसमान में दिखने वाले सात तारों के समूह को, सात तारे, तो सात तारे किसमें है? सप्तर्षि मंडल है, लेकिन स्मॉल बियर भी इसको कहा जाता है। सॉस पैन किसमें कहा जाता है? फ्रांस के अंदर इसको सॉस पैन कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका आंसर है उपरोक्त सभी, यानी सात तारों के समूह को सप्तर्षि मंडल भी कहा जाता है, स्मॉल बियर भी कहा जाता है और सॉस पैन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर टू, सप्तर्षि मंडल को ब्रिटेन में क्या कहा जाता है? सप्तर्षि मंडल को ब्रिटेन में क्या कहा जाता है? प्लॉक, स्मॉल बियर, अरसा मेजर या इनमें से कोई नहीं। प्लॉक का अर्थ होता है हल जैसी आकृति का, स्मॉल बियर, अरसा मेजर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है प्लॉक। ब्रिटेन में जो सप्तर्षि मंडल है उसको प्लॉक कहा जाता है, यानी हल की शेप होने की वजह से इसको प्लॉक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, सप्तर्षि मंडल के चार तारों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हमारे पास चौपाया, चारपाई, चेयर और मेज। इसमें आपने देखा होगा सप्तर्षि मंडल के अंदर टोटल सात तारे दिखाई देते हैं, सात तारों में चार एक चौकोर आकृति बनाते हैं, तो उसको हम नॉर्मली इंडिया में किस नाम से जाना जाता है? चौपाया जान कहते हैं उसको, चारपाई कहते हैं, चेयर कहते हैं या मेज कहते हैं, तो उसको चारपाई के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तर्षि या स्मॉल बियर निम्न में से किसका हिस्सा है? सप्तर्षि या स्मॉल बियर निम्न में से किसका हिस्सा है? अरसा मेजर, सौर मंडल, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन के आधार पर बड़ा सिंपल सा दिखाई दे रहा है, सौर मंडल का ये हिस्सा बिल्कुल नहीं है, तो उपरोक्त दोनों भी नहीं हो सकता, तो या तो अरसा मेजर है या इनमें से कोई नहीं। सप्तर्षि मंडल जो है वो अरसा मेजर का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरसा मेजर को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? अरसा मेजर को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? स्मॉल बियर, मिल्की वे, ग्रेट पियर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ग्रेट पियर। अरसा मेजर है उसको ग्रेट पियर के नाम से भी जाना जाता है। स्मॉल बियर क्या है? स्मॉल बियर सप्तर्षि मंडल है और मिल्की वे तो हमारी आकाशगंगा है। तो आपका सही आंसर है सी, ग्रेट पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात्रि में दिशा निर्धारण करने के लिए किस तारे को देखा जाता है? रात्रि में दिशा निर्धारण करने के लिए किस तारे को देखा जाता है? ऑप्शन है हेली, ध्रुव, सूर्य या उपरोक्त सभी। अब देखिए रात को सूर्य तो दिखाई नहीं देगा, तो मतलब ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। हेली, हेली एक उछल तारा है, धूमकेतु है, ये भी नहीं होता, ये तो छह साल में एक बार दिखाई देता है, तो ऑप्शन क्या है? ध्रुव तारा। ध्रुव तारे को देखकर रात्रि में दिशा डिसाइड की जा सकती है, तो ऑप्शन क्या सही क्या है? बी, ध्रुव तारा। क्वेश्चन नंबर सेवन, ध्रुव किस दिशा को सूचित करता है? ध्रुव तारा है वो इनमें से किस दिशा को सूचित करता है? उत्तर, दक्षिण, पश्चिम या पूर्व? तो सही आंसर आप सभी जानते हैं, इसका आंसर है उत्तर दिशा। क्वेश्चन नंबर एट, ध्रुव का शाब्दिक अर्थ क्या है? ध्रुव का शाब्दिक अर्थ क्या है? अटल, चमकीला, नया या भक्त? तो इसमें से सही आंसर इसका है अटल। ध्रुव का जो शाब्दिक अर्थ है वो अटल है, और इसीलिए इसको, क्योंकि ये एक ही दिशा में हमेशा दिखाई देता है, तो इसको हमारे भारतीय शास्त्रों में इसका जो अर्थ है वो अटल आता है। क्वेश्चन नंबर नाइन, ध्रुव तारे से संबद्ध लोक कथा में ध्रुव के माता पिता का नाम क्या था? ध्रुव तारे से, एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई भी छोटी सी छोटी भी प्रश्न भी आपके यहाँ से छूटे, तो हम सभी प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं ताकि हम कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट छूट ना जाए। इसका ऑप्शन है उत्तानपाद सुनीति, उत्तानपाद सुरुचि, हिरण्यकश्यप व सुनीति और हिरण्यकश्यप व सुरुचि। तो इसका सही ऑप्शन है उत्तानपाद व सुनीति। क्वेश्चन नंबर टेन, आसमान में फैले तारे उल्का, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि क्या कहलाते हैं? आसमान में फैले तारे, उल्का, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि क्या कहलाते हैं? नक्षत्र मंडल कहलाते हैं, सौर मंडल कहलाते हैं, आकाशगंगा कहलाते हैं या खगोलीय पिंड कहलाते हैं? तो देखिए आसमान में फैले जो तारे, उल्का, ग्रह, उपग्रह जितने भी हैं, ये एक नेचुरल पिंड है, तो ये सभी क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, खगोलीय पिंड। क्वेश्चन नंबर 11, तारे निम्न में से किसके मिश्रण से निर्मित होते हैं? तारे निम्न में से किसके मिश्रण से निर्मित होते हैं? ऑप्शन आपके पास है हाइड्रोजन में हीलियम, हाइड्रोजन में नाइट्रोजन, हीलियम में यूरेनियम और केवल हाइड्रोजन। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है हाइड्रोजन व हीलियम, ऑप्शन नंबर ए। सभी तारे सामान्य तौर पर हाइड्रोजन व हीलियम के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, समस्त खगोलीय पिंड असीम आकाश में बिखरे रहते हैं, इस असीम आकाश को क्या कहा जाता है? समस्त खगोलीय पिंड असीम आकाश में बिखरे रहते हैं, इस असीम आकाश को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है आकाशगंगा, सौर मंडल, अंतरिक्ष और ब्रह्मांड। तो इसमें आपको एक चीज ध्यान देनी होगी, इसमें जो असीम प्रकाश है, असीम आकाश को क्या कहा जाता है? आकाश वर्ड यहाँ यूज किया गया है, आकाश का मतलब होता है रिक्त स्थान, तो यानी खगोलीय पिंडों के बीच में जो रिक्त स्थान है उसके लिए, खाली जगह है उसके लिए आपको पूछा जा रहा है कि उसको क्या कहते हैं। तो उसके लिए आपका क्या आंसर आएगा? आकाशगंगा तो नहीं कह सकते क्योंकि आकाशगंगा में बहुत सारे तारे होते हैं, सौरमंडल भी नहीं कह सकते, उसमें भी आपका बहुत लिमिटेड वो होता है, जबकि ये तो असीम आकाश की बात कर रहा है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है।
अंतरिक्ष या ब्रह्मांड दोनों में से एक आंसर है, लेकिन ब्रह्मांड का मतलब तो क्या हो गया, खगोलीय पिंड भी है और उसमें रिक्तिस्तान में खालिस्तान भी जो भी है वो सब कुछ आता है, तो ऑप्शन आपके पास क्या बचता है, अंतरिक्ष, तो आपका आंसर होगा अंतरिक्ष। क्वेश्चन नंबर 13, विभिन्न तारों, उनके अवशेषों और मध्य में उपस्थित गैसों, धूल कण जो गुरुत्वाकर्षण के कारण बंधे हैं क्या कहलाते हैं। विभिन्न तारों, उनके अवशेषों और मध्य में उपस्थित गैसों, धूल कण जो गुरुत्वाकर्षण के कारण बंधे हैं क्या कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे विभिन्न तारों मतलब बहुत सारे तारों की बात यहाँ पर की गई है, तो आंसर आकाशगंगा भी हो सकता है, निहारिका हो सकता है, मंदाकिनी हो सकता है, सप्तर्षि मंडल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक कॉमन उसके लिए कहा गया है, तो उसके लिए जो सबसे निहारिका और मंदाकिनी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो आकाशगंगा के अंतर्गत आता है, यानी वो उसके नाम है पर्टिकुलर आकाशगंगाओं के, तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, आकाशगंगा, तो इसका आंसर क्या होगा, आकाशगंगा। क्वेश्चन नंबर 14, तारों के छोटे समूह को क्या कहते हैं, तारों के जो छोटे समूह होते हैं जिसमें कुछ चुनिंदा तारे ही होते हैं उनको क्या कहा जाता है, आकाशगंगा कहा जाता है, आकाशगंगा में तो बहुत सारे अरबों तारे हो सकते हैं, नक्षत्र मंडल, हाँ इसमें पॉसिबल है, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष तो बहुत बड़ी परिभाषा हो गई, वो तो खालिस्तान को कहा जाता है, और ब्रह्मांड, ब्रह्मांड तो अनंत है, तो तारों के छोटे समूह क्या कहा जा सकता है, केवल नक्षत्र मंडल, तो इसका आंसर होगा नक्षत्र मंडल। क्वेश्चन नंबर 15, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी होती है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी होती है, तो आप अच्छे से जानते हैं प्रकाश वर्ष है जो दूरी की एक इकाई है, और इसका आंसर है देखते हैं लगभग 95 खरब किलोमीटर, लगभग 85 खरब किलोमीटर है, लगभग 95 अरब किलोमीटर है, या लगभग 85 अरब किलोमीटर है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, लगभग 95 अरब किलोमीटर एक वर्ष, एक प्रकाश वर्ष में तय की गई दूरी मानी जाती है, 95 अरब किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रह्मांड उत्पत्ति का सबसे प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धांत है, ब्रह्मांड उत्पत्ति का सबसे प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धांत है, ईश्वरवाद का सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। अब ईश्वरवाद का सिद्धांत क्या कहता है कि सभी ईश्वर से पैदा हुआ है, जो कुछ भी पैदा किया ईश्वर ने पैदा किया, बिग बैंग थ्योरी आप अच्छे से जानते हैं, बिग बैंग थ्योरी में ये कहा जाता है कि एक धमाका हुआ था कुछ टाइम पहले तो उससे ही पूरा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, ये उपरोक्त दोनों सिद्धांतों को मान्यता दी जाती है या इनमें से कोई नहीं, तो आपको एक बात ध्यान देनी होगी, यहाँ पे कहा गया है वैज्ञानिक सिद्धांत, वास्तविकता में ये दोनों सिद्धांत, ईश्वरवाद का सिद्धांत और बिग बैंग सिद्धांत दोनों ही मान्य है, लेकिन यहाँ पर केवल वैज्ञानिक सिद्धांत की बात कही गई है, सीधे वैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बिग बैंग सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 17, बिग बैंग विस्फोट कब हुआ, कब विस्फोट हुआ ये माना जाता है हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा, तो उसका आंसर है लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व बिग बैंग का जो विस्फोट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, हमारा सौर मंडल किस आकाशगंगा का हिस्सा है, हमारा सौर मंडल किस आकाशगंगा का हिस्सा है, मंदाकिनी, एरावत पथ, मिल्की वे, या उपरोक्त सभी, तो आप बताइए इसमें से क्या आंसर हो सकता है, मंदाकिनी, एरावत पथ, मिल्की वे, या उपरोक्त सभी। अब आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा जो सौर मंडल है वो मिल्की वे में आता है और मिल्की वे के ही पर्यायवाची हैं, इनको दूसरे नामों से किस नाम से भी जाना जाता है, एरावत पथ के नाम से भी जाना जाता है, मंदाकिनी के नाम से भी जाना जाता है, ये एक ही आकाशगंगा के तीन नाम हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19, प्राचीन भारत में आसमान में प्रकाश की नदी की परिकल्पना किसके लिए की गई, प्राचीन भारत में आसमान में प्रकाश की नदी की परिकल्पना किसके लिए की गई, प्राचीन भारत में आसमान की प्रकाश की नदी है इसके तौर पर किसकी कल्पना की जाती है, आकाशगंगा की जाती है, सौरमंडल को कहा जाता है, शनि के चलने के लिए कहा जाता है, या गुरु के चलों के लिए कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है आकाशगंगा, गंगा एक नदी के नाम पर रखी गई है तो आकाशगंगा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है, सूर्य है, चंद्र है, हेली है, या ध्रुव है। अब देखिए इसमें चंद्रमा तो वैसे ही हो गया क्योंकि ये तो पहली बात तो तारा ही नहीं, ये एक उपग्रह है। अब बात करते हैं सूर्य, हेली और ध्रुव की, तो सबसे निकटतम तारे की बात करते हैं तो सबसे निकटतम हमारा जो है सूर्य तारा ही है, और ध्रुव तारा है वो उससे दूर है, हेली एक उच्छल तारा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है सूर्य, सूर्य हमारे पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी का निकटतम तारा कितनी दूर स्थित है, यानी पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है, सूर्य, तो हमसे कितनी दूर स्थित है, इसके ऑप्शन है 15 करोड़ किलोमीटर, 58 लाख किलोमीटर, 23 लाख किलोमीटर, या 83 करोड़ किलोमीटर, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर सूर्य स्थित है पृथ्वी के। क्वेश्चन नंबर 22, उच्छल तारे जिसको हम धूमकेतु भी कहते हैं में गैसीय पदार्थों की पूंछ के संदर्भ में सत्य कथन है, क्या सत्य कथन है, उच्छल तारे की पूंछ अत्यधिक तीव्र गति होने से बनती है, यानी उच्छल तारा बहुत तेजी से चलता है इस वजह से उसकी पूंछ बनती है, उच्छल तारे की पूंछ सदैव सूर्य के विपरीत होती है, यानी उच्छल तारा जब चलता है तो उसकी जो पूंछ बनती है वो हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होती है, ये दोनों ही कथन सही है या इनमें से कोई नहीं, तो देखिए इसका आंसर दोनों ही सही है क्योंकि ये बात सही है, उच्छल तारा जब आता है सूर्य के पास तो सूर्य के विपरीत दिशा में उसकी पूंछ बन जाती है, और इसी तरीके से जो उच्छल तारे की जो पूंछ बनने का कारण है वो उसकी बहुत ज्यादा तीव्र गति होना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। प्रत्येक क्षेत्र वर्ष में दिखाई देने वाले धूमकेतु कौन सा है? प्रत्येक क्षेत्र वर्ष में दिखाई देने वाला धूमकेतु कौन सा है? गैरी, हैली, स्टार्क या निकोलस? तो ये बहुत इजी ऑप्शन है, इसमें सबसे ज्यादा कॉमन नेम आपको दिखाई दे रहा होगा हैली। हैली एक धूमकेतु है जो हर क्षेत्र वर्ष में दिखाई देता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? बी, हैली। हैली पूर्व में किस वर्ष देखा गया था? हैली इससे पूर्व किस वर्ष देखा गया था? तो हैली को 2003 में देखा गया था, 2019 में देखा गया था, 1889 में देखा गया था या 1986 में देखा गया था। तो देखिए पिछले क्षेत्र वर्ष में ही दिखाई दिया है, तो 1889 तो संभव ही नहीं है क्योंकि इसको तो 100 वर्ष से भी अधिक समय निकल चुका है, तो ऑप्शन सी तो हो ही नहीं सकता, 2019, 2003 या 1986। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 1986 वर्ष में इसको देखा गया था और अभी नेक्स्ट क्षेत्र वर्ष पर दोबारा दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। हैली पुच्छल तारा कब दिखाई देगा? हैली पुच्छल तारा कब दिखाई देगा? तो इसका ऑप्शन है आपके पास 2024 वर्ष में, 2062 वर्ष में, 2044 वर्ष में और 2064 वर्ष में। तो आपने देखा था कि इससे पहले हैली कब दिखाई दिया था? 1986 में। तो आपने क्षेत्र वर्ष बाद दिखाई देता है, हर क्षेत्र साल बाद दिखाई देता है हैली तारा, तो उसमें 62 वर्ष जोड़ दीजिए तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास? 2062, यानी 2062 में हैली पुच्छल तारा दोबारा दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 26। असंख्य आकाशगंगाओं के समूह को क्या कहा जाता है? असंख्य आकाशगंगाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन हमारे पास है नक्षत्र मंडल, मंदाकिनी, अंतरिक्ष और ब्रह्मांड। तो अब इसमें ऑप्शन देखिए, नक्षत्र मंडल तो कुछ तारों के समूह को कहा जाता है, तो यहाँ तो असंख्य आकाशगंगाओं की बात हो रही है तो ये तो हो ही नहीं सकता। मंदाकिनी ये खुद एक आकाशगंगा का नाम है तो ये भी ऑप्शन संभव नहीं है। अंतरिक्ष यहाँ पर खाली स्थान के लिए यूज किया जाता है जो खगोलीय पिंडों के बीच में होता है तो ये भी संभव नहीं है। ब्रह्मांड ही एक लास्ट ऑप्शन बचता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? असंख्य आकाशगंगाओं के समूह को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27। ग्रह के चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह के चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? ग्रह, तारा, उपग्रह, धूमकेतु। तो आप अच्छे से जानते हैं ग्रह के चक्कर लगाने वाले, ग्रह के चक्कर ग्रह नहीं लगाता है तो ऑप्शन वन नहीं हो सकता। तारा, ग्रह तो खुद ही तारे के चक्कर लगाता है तो यह ऑप्शन भी संभव नहीं है। धूमकेतु ये भी ऑप्शन संभव नहीं है, तो उपग्रह ही एक आंसर बचता है, तो उपग्रह आपका सही आंसर है। ग्रह के चक्कर कौन लगाता है? उपग्रह। तारे किसके प्रकाश से चमकते हैं? तारे किसके प्रकाश से चमकते हैं? ऑप्शन हमारे पास है ग्रह के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से, आकाशगंगा के प्रकाश से या स्वयं के प्रकाश से। यहाँ तारे की बात हो रही है तो ग्रह के प्रकाश से भी संभव नहीं है। सूर्य के प्रकाश, सूर्य खुद एक तारा है और दूसरी बात इसका मतलब दूसरे तारे की रोशनी से नहीं चमकता है। आकाशगंगा के प्रकाश से यहाँ पे बहुत सारे तारे होते हैं तो वास्तविकता में जो तारे किसके प्रकाश से चमकते हैं उसका सही आंसर है स्वयं के प्रकाश से। तारे हमेशा स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं, इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 29। सभी ग्रह या उपग्रह किसके प्रकाश से चमकते हैं? सभी ग्रह या उपग्रह किसके प्रकाश से चमकते हैं? इसके ऑप्शन है ग्रह के प्रकाश से, तारे के प्रकाश से, आकाशगंगा के प्रकाश से या स्वयं के प्रकाश से। जब ग्रह या उपग्रह की बात आती है तो वो किसके प्रकाश से चमकते हैं? तो इसके आप सभी लोग जानते हैं ये चमकते हैं तारे के प्रकाश से, तो सही ऑप्शन क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 30, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। रात में चमकने वाले तारे दिन में नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि? इसका सही ऑप्शन है सूर्य के निकट होने के कारण दिन में तारे गायब हो जाते हैं, तारों की रोशनी बहुत कम होती है या वायु प्रदूषण के कारण। किस कारण हमें रात में चमकने वाले तारे दिन में नहीं दिखाई देते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सूर्य के निकट होने के कारण, इसकी रोशनी दिन में इतनी ज्यादा हो जाती है कि हमें और तारे नहीं दिखाई देते हैं। तो इसलिए इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। जिसने आरबीएससी के क्लास 6 के चैप्टर 1 को पढ़ा हुआ है उस क्वेश्चन करने के बाद उसमें और कोई भी फैक्ट इसमें नहीं छोड़ा गया है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिएगा। 6 का चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं लेकिन उसे तो चलिए बिना देरी के और अच्छे से मेहनत के साथ, अच्छे मकसद के साथ इसको स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। क्वेश्चन नंबर 1। सौर परिवार का जनक किसे कहा जाता है? सौर परिवार का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है सूर्य। सूर्य को सौर परिवार का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2। सौर परिवार में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? सौर परिवार में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? कौन कौन होते हैं? सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और ग्रह कणिकाएं, ये सभी सौर परिवार का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 3। खगोलीय पिंड एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं, पथ को क्या कहा जाता है? खगोलीय पिंड एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं, उस पथ को क्या कहा जाता है? उस पथ को कक्षा कहते हैं, ऑर्बिट कहा जाता है, कक्षा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। किसने सर्वप्रथम बताया कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है और सभी ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं? किसने सर्वप्रथम बताया कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है और सभी ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है निकोलस कॉपरनिकस और इन्होंने 1543 ईस्वी में इसको बताया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सौरमंडल की वैज्ञानिकों के अनुसार कितनी आयु बताई गई है? सौरमंडल की वैज्ञानिकों के अनुसार कितनी आयु बताई गई है?
इसका आंसर है लगभग 460 करोड़ वर्ष। इसकी जो आयु है 460 करोड़ वर्ष बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 6, सौरमंडल में प्रकाश एवं ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। सौरमंडल में प्रकाश और ऊर्जा का एकमात्र स्रोत कौन सा है? इसका आंसर है सूर्य। सूर्य है वो हमारे सौरमंडल में प्रकाश एवं ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर है 8 मिनट 30 सेकंड। 8 मिनट 30 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8, सौर परिवार में ग्रहों की संख्या कितनी है? सौर परिवार में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो देखिए, सौर परिवार में पहले ग्रहों की संख्या 2006 तक 9 मानी जाती थी, लेकिन प्लूटो को 2006 में जो खगोलीय संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन, उसने उसको बौने ग्रह का दर्जा दे दिया, तो 9 ग्रह से वो 8 ग्रह रह गए। तब से हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्या क्रम है? यानी सूर्य से दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसका क्या क्रम है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यानी सबसे नजदीक कौन सा आता है? बुध आता है, उसके बाद शुक्र आता है, पृथ्वी आती है, उसके बाद फिर मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, और उसके बाद अरुण, और सबसे लास्ट में वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने किस ग्रह को बौने ग्रह का दर्जा 2006 में दिया? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने किस ग्रह को बौने ग्रह का दर्जा 2006 में दिया? हमने अभी बात की थी, तो हम किसको दिया था? प्लूटो को। प्लूटो को बौने ग्रह का दर्जा 2006 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, किन ग्रहों को धरातलीय या आंतरिक ग्रह कहा जाता है? धरातलीय या आंतरिक ग्रह कहा जाता है। धरातलीय और आंतरिक ग्रह का मतलब क्या है? जिनका जो धरातल होता है, जिनकी जो सरफेस होती है, जिनकी जो सतह होती है, वो सॉलिड होती है। और किन किन को कहा जाता है? उनको है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। जो सूर्य के निकटतम जो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन सभी में सतह सॉलिड सतह है और इनको सॉलिड सरफेस है, और इनको क्या कहा जाता है? धरातलीय ग्रह या आंतरिक ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन ग्रहों को गैसीय या वाह ग्रह कहा जाता है? किन ग्रहों को गैसीय या वाह ग्रह कहा जाता है? तो देखिए, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये वो ग्रह हैं जिनको गैसीय ग्रह या वाह ग्रह कहा जाता है, क्योंकि सूर्य से ये दूरी पर स्थित हैं ये चारों ग्रह। और दूसरा, जो इनका जो सरफेस है, जो सतह है, वो गैसीय है, इनमें कोई धरातल नहीं है, इस वजह से इनको, ये गैसीय गुब्बारों से बने हुए हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? गैसीय ग्रह या वाह ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्र या अवांतर ग्रह क्षेत्र यानी एस्ट्रॉइड बेल्ट किन ग्रहों के मध्य स्थित है? शुद्र या अवांतर ग्रह क्षेत्र यानी एस्ट्रॉइड बेल्ट किन ग्रहों के मध्य स्थित है? इसका आंसर है मंगल और बृहस्पति। ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ये शुद्र ग्रह क्षेत्र जो है, पट्टिका, शुद्र ग्रह पट्टिका भी इसको बोलते हैं, ये किन ग्रहों के बीच में पाई जाती है? मंगल और बृहस्पति के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन ग्रहों के उपग्रह नहीं है? किन ग्रहों के उपग्रह नहीं है? तो ये केवल दो ही ग्रह हैं, बुध और शुक्र, जो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह हैं, इन पर कोई भी उपग्रह नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की परिक्रमा करने में लगने वाले समय के आधार पर, सूर्य की परिक्रमा करने में लगने वाले समय के आधार पर ग्रहों को अवरोही क्रम में लिखें। इसका आंसर है वरुण लगभग 164 वर्ष में परिक्रमा पूरी करता है, अरुण 84 वर्ष में पूरी करता है, शनि इसी परिक्रमा को 29 वर्ष और 5 माह का समय लगाता है, बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा करने में 11 वर्ष और 11 माह का टाइम लगाता है, मंगल इसी काम को 687 दिन में पूरा कर लेता है, और पृथ्वी इसको हम जानते हैं 365 दिन यानी एक साल में पूरा करती है, और शुक्र इसी परिक्रमा को 225 दिन में पूरा करता है, और बुध सूर्य की परिक्रमा मात्र 88 दिन में पूरा कर लेता है। तो आपने देखा, सबसे ज्यादा समय किसको लगा? वरुण को, क्योंकि वो सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित है, और सबसे कम समय बुध को लगा, क्योंकि वो सूर्य के सबसे निकटतम स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अक्ष पर घूर्णन में लगने वाला समय के आधार पर ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है? अक्ष पर घूर्णन में लगने वाले समय के आधार पर ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है? यानी जो ग्रह होते हैं, एक तो होता है परिक्रमण काल, यानी जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, उनके आधार पर हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया था, और अब है घूर्णन, यानी अपनी जगह पर जो घूमते रहते हैं, जैसे हमारे पृथ्वी के दिन और रात निर्धारित होते हैं, इसी तरह जो और ग्रह, इनको घूर्णन में कितना समय लगता है, तो उसका क्रम क्या है? शुक्र को सबसे ज्यादा दिन, 243 दिन लगते हैं, बुध को अपने अक्ष पे घूमने में 59 दिन का समय लगता है, पृथ्वी हम जानते हैं एक दिन में एक बार घूम जाती है, अरुण को 17 घंटे और 14 मिनट का समय लगता है, वरुण को 16 घंटे 7 मिनट का समय लगता है, शनि को 10 घंटे और 40 मिनट का समय लगता है, और इसी तरह बृहस्पति को अपने अक्ष पर घूमने में 9 घंटे 56 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों को चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रहों का चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो इसको आप सभी जानते हैं, इसको हम उपग्रह कहते हैं। उपग्रह जो होते हैं, ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, वो खगोलीय पिंड
उपग्रह कहलाते हैं, ग्रहों का चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की परिक्रमा करने वाला पिंड जो दूसरे पिंडों का रास्ता भी काटता है क्या कहलाता है, सूर्य की परिक्रमा करने वाला पिंड जो दूसरे पिंडों का रास्ता भी काटता है क्या कहलाता है। सूर्य की जो परिक्रमा कर रहा है और दूसरे के ऑर्बिट के अंदर एंटर हो जाता है, दूसरों की कक्षा के अंदर आ जाता है और उनका कई बार वो टकरा भी जाते हैं, तो वो पिंड क्या कहलाते हैं, तो वो पिंड कहलाते हैं बौनी ग्रह। बौना ग्रह क्या है, जैसे प्लूटो को 2006 में दर्जा दिया गया था, क्यों, क्योंकि वो वरुण से कई बार टकरा चुका है और इस वजह से वो उस नियम का पालन नहीं करता जिसमें ग्रह आते हैं, क्योंकि ग्रह अपनी परिक्रमा करते हैं लेकिन वो किसी भी अन्य पिंड के रास्ते में नहीं आते हैं, जबकि जो प्लूटो है बार बार वरुण के रास्ते में आता था और उसे कई बार टकरा भी चुका था, तो इस वजह से वो ग्रहों के जो नियम है उसमें नहीं आता, तो इस वजह से उसको बौने ग्रह का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 19, किन्हीं तीन बौने ग्रहों के उदाहरण दीजिए। हमारे सौरमंडल में बहुत सारे बौने ग्रह हैं जिनमें से तीन जो मुख्य हैं वो हैं प्लूटो जिसको हम सभी जानते हैं, एरिस और सेरिस। ये तीन ऐसे बौने ग्रह हैं जो काफी आपको पता होना चाहिए, ये तीनों बौने ग्रह के उदाहरण हैं, प्लूटो, एरिस और सेरिस। क्वेश्चन नंबर 20, सूर्य से दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी कौन से नंबर का ग्रह है, सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी कौन से नंबर का ग्रह है, तो बताइए इसको। इसका आंसर है तीसरे नंबर का ग्रह है, सूर्य से तीसरे नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे बुध पड़ता है, दूसरे पे शुक्र और तीसरे नंबर पे पृथ्वी, यानी तीसरे नंबर पे पृथ्वी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर परिवार का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सौर परिवार का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी, हमारा जो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन ग्रहों को जुड़वा ग्रह का दर्जा प्राप्त है, किन ग्रहों को जुड़वा ग्रह माना जाता है, किन ग्रहों को माना जाता है, शुक्र और पृथ्वी, क्यों, क्योंकि इनकी आकार और आकृति लगभग लगभग समान है, इस वजह से शुक्र और पृथ्वी को जुड़वा ग्रह के तौर पे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, किस ग्रह को जीवंत ग्रह कहा जाता है, ये हम सभी जानते हैं, किस ग्रह को जीवंत ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को जीवंत ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, तो पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो है 15 सेंटीग्रेड, क्या है, 15 सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के परिमंडलों के नाम क्या हैं, पृथ्वी के परिमंडलों के नाम क्या हैं, तो पृथ्वी के परिमंडलों के नाम क्या हैं, स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल, और इन तीनों के मिश्रण से ये जैवमंडल का भी निर्माण करता है जिसकी वजह से यहाँ पर जीवन स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर विकसित वायु का आवरण क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन आपके कुछ एग्जाम्स में आ भी चुका है और ये बार बार रिपीट भी होता है, ये बहुत सिंपल है लेकिन मुझे उम्मीद है सभी को आता होगा, पृथ्वी के चारों ओर विकसित वायु का आवरण क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, वायुमंडल, वायुमंडल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को जीवंत ग्रह अथवा जल ग्रह कहा जाता है, किस ग्रह को जीवंत ग्रह अथवा जल ग्रह कहा जाता है, आप सभी जानते हैं कि जहां जीवन है वो जीवंत ग्रह है, और जीवंत ग्रह कौन सा है, हमारी पृथ्वी, यहाँ पे जल भी पाया जाता है और जीवन भी पाया जाता है, तो क्या आंसर होगा, पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि के किसी उपग्रह का नाम बताएं, शनि के किसी उपग्रह का नाम बताएं, शनि के बहुत से उपग्रह हैं लेकिन उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो टाइटन है, मैंने हैपेरिया और फोब का भी नाम लिखा हुआ है इसमें, और टाइटन जो उपग्रह है इसके ऊपर सैटेलाइट भेजा गया है नासा के द्वारा और इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, चलिए, तो इसलिए टाइटन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहस्पति के उपग्रहों के नाम बताएं, बृहस्पति के उपग्रहों के नाम बताएं, इंपॉर्टेंट है वो गैनिमिड और कैलेस्टो है, और लो इसमें काफी और भी उपग्रह हैं जिनके मैं नाम नहीं लिखे हैं, जो हमें इंपॉर्टेंट है मैंने केवल उनके नाम बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल के दोनों उपग्रहों के नाम बताएं, मंगल के दोनों उपग्रहों के नाम बताएं, इसका आंसर है फोबोस व डीमोस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मंगल के दो ही उपग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी चंद्रमा से कितनी बड़ी है, पृथ्वी चंद्रमा से कितनी बड़ी है, पृथ्वी चंद्रमा से 81 गुना बड़ी है, 81 टाइम्स ये बड़ी है पृथ्वी से। 32 क्वेश्चन, माह में एक बार चंद्रमा का पूर्ण प्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने आता है, माह में एक महीने में एक बार चंद्रमा का पूर्ण प्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने आता है, उस दिन को क्या कहा जाता है, उस दिन को क्या कहा जाता है, उस दिन को क्या कहा जाता है, पूर्णिमा, उस दिन को पूर्णिमा कहते हैं। इसी के विपरीत माह में एक बार चंद्रमा का पूर्ण अप्रकाशित भाग, माह में एक बार चंद्रमा का पूर्ण अप्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने आता है, उस दिन को क्या कहा जाता है, तो उस दिन को हम अमावस्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा का प्रकाशित भाग बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, उस पखवाड़े को क्या कहा जाता है, यानी अमावस्या होती है, अमावस्या में हमें चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे डे बाय डे वो बड़ा होता जाता है और लास्ट में पूर्णिमा तक पहुंच जाता है, तो ये जो बढ़ता हुआ क्रम है प्रकाश का, प्रकाशित भाग का, ये जो 15 दिन होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, शुक्ल पक्ष कहा जाता है, उसको हम शुक्ल पक्ष से नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा का अप्रकाशित भाग बढ़ता हुआ प्रकाशित प्रतीत होता है, उस पखवाड़े को क्या कहा जाता है,
हमने देखा पिछले क्वेश्चन में चंद्रमा का प्रकाशित भाग बढ़ता हुआ प्रतीत माना गया था उसमें, और इसमें क्या कहा गया है, चंद्रमा का अप्रकाशित भाग बढ़ता हुआ प्रतीत होता है उस पखवाड़े को, यानी पखवाड़ा यानी 15 दिन को क्या कहा जाता है, तो वो समय क्या कहलाता है, कृष्ण पक्ष कहलाता है, वो टाइम क्या कहलाता है, कृष्ण पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा का परिक्रमा काल कितना है, चंद्रमा का परिक्रमा काल कितना है, 27 दिन। आंसर है 27 दिन। परिक्रमा मतलब चंद्रमा जो पृथ्वी के जो चक्कर लगाता है वो कितने टाइम में लगाता है, वो 27 दिन में ये काम पूरा करता है। चंद्रमा का घूर्णन काल कितना है, यानी चंद्रमा अपने अक्ष पर कितने समय में घूमता है, तो चंद्रमा का जो घूर्णन काल है वो 29 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूमकेतुओं और शुद्ध ग्रहों से टूटे हुए टुकड़े पृथ्वी के वातावरण में आ जाते हैं, धूमकेतुओं और शुद्ध ग्रहों से टूटे हुए टुकड़े पृथ्वी के वातावरण में आ जाते हैं क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, उल्काएं, उनको उल्का कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसी तरह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह है बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन, वलय धारक ग्रह कौन सा है, वलय धारक ग्रह कौन सा है, और इसका आंसर है शनि, शनि के वलय पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे नजदीक आकाशीय पिंड कौन सा है, पृथ्वी का सबसे नजदीक आकाशीय पिंड कौन सा है, पृथ्वी के सबसे नजदीक पाया जाता है चंद्रमा, यानी उसका उपग्रह चंद्रमा जो है वो सबसे नजदीकीय आकाश पिंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति क्या है, प्रकाश की गति क्या है, 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये पहले चैप्टर का एक क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में रह गया था, जिसको मैंने दोबारा से लिखा है। और प्रकाश की गति हम किसको नापने के, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, यानी प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होगी, दूरी की इकाई मानी जाती है। थैंक यू। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3, और आरबीएससी की बुक से ज्योग्राफी सब्जेक्ट। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारत द्वारा पहला कृत्रिम उपग्रह कब प्रक्षेपित किया गया था, भारत द्वारा पहला कृत्रिम उपग्रह कब प्रक्षेपित किया गया था, इसका आंसर क्या है, 1975 में भारत द्वारा जो पहला कृत्रिम उपग्रह था, जो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी, वो कब प्रक्षेपित की गई थी, वो 1975 में। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में प्राचीन जंतर मंतर वैधशाला स्थित है, राजस्थान में प्राचीन जंतर मंतर वैधशाला कहाँ स्थित है, और हम सभी जानते हैं वो जयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय किसे जाता है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय किसे जाता है, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर है विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई ने हमारे जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को काफी गति दी थी, और इस काम को आगे बढ़ाने में उन्होंने काफी मदद की थी, इसलिए श्रेय उन्हीं को जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर निकलने के लिए कितने किलोमीटर प्रति सेकंड की गति की आवश्यकता होती है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर निकलने के लिए कितने किलोमीटर प्रति सेकंड की गति की आवश्यकता होती है, तो बताइए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इस स्पीड से अगर किसी भी चीज को अगर फेंका जाता है तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या रखा गया था, भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या रखा गया था, इसका आंसर है आर्यभट्ट। 1975 में ये भेजा गया था, आपको अभी देखा था हमने प्रथम कृत्रिम उपग्रह कब भेजा गया था, 1975 में, और उसका नाम क्या था, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसकी मान्यता थी कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी स्थिर नहीं है, यह किसकी मान्यता थी कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी स्थिर नहीं है, तो ये किसने कहा था, ये हमारे जो भारतीय वैज्ञानिक रहे हैं आर्यभट्ट ने, वैज्ञानिक और संत भी रहे हैं आर्यभट्ट, उन्होंने ये कहा था। क्वेश्चन नंबर 7, किन्होंने चंद्र ग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ना बताया, किन्होंने चंद्र ग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ना बताया, आंसर है आर्यभट्ट, इसका आंसर क्या है, आर्यभट्ट। पृथ्वी की सही परिधि का आकलन किसने किया, पृथ्वी का सही परिधि का आकलन किसने किया, यानी पृथ्वी की जो सर्कमफ्रेंस है, पेरीमीटर है, वो किसने नापा, वो नापा था इराटोस्थनेस ने, इराटोस्थनेस ने। क्वेश्चन नंबर 9, सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक के लेखक कौन है, सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक के लेखक कौन है, ये अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित बुक है जिसमें काफी सिद्धांत लिखे गए थे, और इसके लेखक हैं भास्कराचार्य द्वितीय, भास्कराचार्य द्वितीय ने सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 10, ऐसा किसका मानना था कि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण सब चीजों को अपनी ओर खींचती है,
ऐसा किसका मानना था कि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण सब चीजों को अपनी ओर खींचती है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है भास्कराचार्य द्वितीय ने सर्वप्रथम ये बताया था कि गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी चीजों को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशीय पिंडों को देखने में प्रयोग किए जाने वाले दूरबीन का आविष्कार किसने किया? आकाशीय पिंडों को देखने में प्रयोग किए जाने वाले दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है गैलीलियो ने। गैलीलियो का नाम आप सभी ने सुना होगा, ये बहुत फेमस है और इन्होंने ही दूरबीन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 12, देश की सबसे बड़ी दूरबीन का क्या नाम है? भारत देश में जो सबसे बड़ी दूरबीन बनाई गई है उसका क्या नाम है? और उसका नाम है मास्ट, MAST, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MAST कहा जाता है। बाकी इसका फुल फॉर्म है मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप। और ये कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 13, मास्ट दूरबीन उदयपुर शहर के किस झील के टापू पर स्थापित की गई है? मास्ट दूरबीन उदयपुर शहर के किस झील के टापू पर स्थापित की गई है? जो मास्ट जो हमारे देश की सबसे बड़ी दूरबीन है वो उदयपुर शहर में स्थापित की गई है और झील के टापू पर स्थापित की गई है, तो वो किस झील के ऊपर स्थापित की गई है आपको ये बताना है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है फतेह सागर जो झील है उदयपुर की, उस पर उसके जो टापू है उसके ऊपर ही मास्ट दूरबीन को स्थापित किया गया है, फतेह सागर झील के ऊपर। नेक्स्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 14, सवाई जयसिंह ने जयपुर में वैद्यशाला कब बनवाई? सवाई जयसिंह ने जयपुर में वैद्यशाला कब बनवाई? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है 1734 ईस्वी में, इन्होंने 1734 ईस्वी में भी इस वैद्यशाला का निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 15, सवाई जयसिंह ने किन यंत्रों का आविष्कार किया? देखिए ये हिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन आया था और ये काफी इंपॉर्टेंस रखता है हिस्ट्री के हिसाब से, जीके के हिसाब से और साइंस के हिसाब से भी, तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाई जयसिंह ने किन यंत्रों का आविष्कार कराया था? तो वो आंसर क्या है इसका? सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र और राम यंत्र, ये तीनों यंत्र इसमें विशेष स्थान इनको प्राप्त है। तो इसका निर्माण जो आविष्कार था वो सवाई जयसिंह ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व का पहला उपग्रह 1957 में स्पुतनिक प्रथम, विश्व का पहला उपग्रह 1957 में स्पुतनिक प्रथम को अंतरिक्ष में किस देश के द्वारा भेजा गया था? इसको किस देश ने भेजा था? इसको भेजा था रूस ने। इसका आंसर क्या है? रूस। क्वेश्चन नंबर 17, अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम व्यक्ति का क्या नाम था? अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम व्यक्ति का क्या नाम था? अंतरिक्ष में प्रथम भेजे गए व्यक्ति थे यूरी गागरिन, और यूरी गागरिन 1961 में इनको सर्वप्रथम भेजा गया था। ये केवल अंतरिक्ष तक ही जा पाए थे। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, प्रथम व्यक्ति चांद पर कदम रखने वाले कौन थे? प्रथम व्यक्ति चांद पर कदम रखने वाले कौन थे? तो आपने देखा इसमें जो सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे वो तो यूरी गागरिन थे, लेकिन जो चांद पर गए थे वो आप सभी जानते हैं वो कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे, और वो 1969 में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की, भारत के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की, तो विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, और भारत के कौन है? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा ने 1984 में प्रथम बार अंतरिक्ष की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगलयान अंतरिक्ष में कब प्रक्षेपित किया गया? मंगलयान अंतरिक्ष में कब प्रक्षेपित किया गया? और इसका आंसर क्या है? आप सभी जानते हैं 2013 में हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको प्रक्षेपित किया गया था, मंगलयान को 2013 में हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। तो इसी के साथ इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवाए हैं। हम लोग आज चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं ग्लोब, जिसका नाम है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 है, आरबीएससी की बुक्स है। हम यहाँ पर जिन बच्चों ने बुक्स नहीं पढ़ी हैं उनके हिसाब से इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, और ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बेसिक कंसेप्ट लिए हुए हैं, और इसमें बेसिक कंसेप्ट अगर आप लोगों के क्लियर नहीं हो पाते हैं तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसको हम न केवल क्वेश्चन से न केवल देखेंगे बल्कि डायग्राम से समझने का प्रयास भी करेंगे, ताकि आप लोगों को दोबारा चैप्टर पढ़ने की जरूरत ना पड़े, और अगर आप एक बार इसको देख लेंगे अच्छे से समझ लेंगे तो आपको इस कंसेप्ट को समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पृथ्वी की आकृति कैसी होती है? पृथ्वी की आकृति कैसी है? पृथ्वी की आकृति कैसी है? पृथ्वी की आकृति हमारी होती है भूआब, यानी जियोइड। भूआब यानी जियोइड। जियोइड कैसी आकृति है? ये वास्तविकता में गोल आकृति ना होकर ये ध्रुवों पे से चपटी होती है। ये क्या होती है? पूरी तरीके से गोल नहीं होती। हमारी जो धरती है, पृथ्वी है, वो ध्रुवों पर से चपटी होती है, इसलिए इसे भूआब या जियोइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? अब आप देखिए ध्रुवीय व्यास और भूमध्यवर्ती व्यास, ये देखिए इसको मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है और ये आपके पोल्स हैं, यानी ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। अब आपको से पूछा जा रहा है कि ध्रुवीय व्यास कितना है। ध्रुवीय व्यास का मतलब क्या हो गया? ये जो है पृथ्वी को अगर बिल्कुल सेंटर से उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिला दिया जाए एक पॉइंट लाइन से, तो ये जो व्यास होगा इसकी लेंथ कितनी पूछी जा रही है? तो इसकी लेंथ क्या होती है, इसकी लंबाई कितनी है? ध्रुवीय व्यास कितना है? ध्रुवीय व्यास है आपका 12,714 किलोमीटर। और इसी तरह भूमध्यवर्ती व्यास, यानी
अगर उसको इस तरीके से बीच में से निकाला जाए, बीच में से इस तरीके से, इसके लंबवत, किसके ध्रुवीय व्यास के लंबवत अगर एक लाइन से पृथ्वी को सेंटर से निकाला जाए तो कितना होगा? वो होगा 12756, 12756 किलोमीटर। कितना होगा वो? 12756 किलोमीटर लगभग। और ये लगभग जो आपका ध्रुवीय व्यास यानी ये और इससे, इससे और इसमें कितना डिफरेंस है? करीबन 43 किलोमीटर का डिफरेंस आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पृथ्वी का ध्रुवीय परिधि कितनी है? पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितनी है? ध्रुवीय परिधि का मतलब क्या हो गया? मान लीजिए आपके पास एक पृथ्वी है बॉल की तरह, अगर एक धागे को यहां से लेकर और घुमाकर और वापस इसको बांधा जाए और यहां तक इसकी लेंथ नापी जाए, इसकी लंबाई नापी जाए, इस बॉल को चारों तरफ घुमाकर बांध दिया जाए, तो ये धागा हमें कितना लंबा चाहिए? वो इसका, इस बॉल की क्या होगी? परिधि होगी। तो इसी तरह पृथ्वी का ध्रुवीय परिधि कितनी है? अब ध्रुवीय परिधि का मतलब क्या होगा? इस ध्रुव से लेना है आपको इस धागे को और यहां से लेकर और पीछे से बांधते हुए वापस लेके आना है, यानी चारों तरफ चक्कर काट के और इस धागे को यहां मिलाना है। तो ये जो परिधि है इस पृथ्वी की वो कितनी है? तो वो कितनी होती है? 40008 किलोमीटर होती है। और इसके बजाय भूमध्यवर्ती जो है यानी ये परिधि कितनी होगी? ये आपकी कितनी होगी? 40075। कितनी होगी? 40075 किलोमीटर। तो इन में आप देख रहे हैं कितना डिफरेंस पड़ता है, करीबन 67 किलोमीटर का, करीबन 67 किलोमीटर का डिफरेंस इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक बात और जो है वो ये है कि पृथ्वी की जो होती है इसका जो ये चपटा हिस्सा बन जाता है, चपटा हिस्सा जो बनता है यानी पृथ्वी ऊपर से जो चपटी हो रही है और इधर से चपटी हो रही है और बीच में से ज्यादा गोल होती है, वो क्यों होती है? उसका कारण होता है केंद्र प्रसारक या अपकेंद्रीय बल, यानी ध्रुवों पर जो चपटा बनाता है और बीच में से जो ज्यादा गोल ये होती है उसका कारण क्या है? जियोइड जो स्ट्रक्चर इसकी बन रही है वो क्यों बनती है? केंद्र प्रसारक या अपकेंद्रीय बल के कारण। आपके पास ये क्वेश्चन भी कई बार उठ के आता है कि पृथ्वी की जो भूभाग आकृति है उसका कारण है, उसका कारण क्या है? अपकेंद्रीय बल या केंद्र प्रसारक बल, केंद्र अपसारक बल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्र के मध्य आ जाती है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्र के मध्य आ जाती है तो कौन सी स्थिति बनती है? देखिए, जब ये सूर्य है, ये आपका सूर्य और ये आपका चंद्रमा है और बीच में आपके आगे पृथ्वी, तो क्या होगा? इससे जो लाइट जा रही है वो इसके ऊपर नहीं पहुंच पाती, तो इस कंडीशन में क्या होगा? ये नहीं दिखाई देगा। नहीं दिखाई देने का मतलब क्या हो गया? इसको ग्रहण लग गया, ग्रहण यानी चंद्र ग्रहण। तो उसको इससे तो क्या कहेंगे? चंद्र ग्रहण कहेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाए, जब ये सूर्य हो और इसके बीच में ये चंद्र आ गया और यहाँ पे पृथ्वी आ गई, तो क्या स्थिति बनेगी? तो कुछ रोशनी, कुछ हिस्सा जो ये होगा रोशनी का, वो हमारी धरती पर नहीं पहुंचेगा और ऐसी स्थिति में क्या होगा? हमें क्या दिखाई देगा? सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह संख्या रेखा जो पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है, वह संख्या रेखा जो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है क्या कहलाती है? वो क्या कहलाएगी? विषुवत रेखा। यानी हमारी धरती को अगर बिल्कुल सेंटर, यह हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध मतलब नॉर्थ पोल साइड यानी उत्तरी ध्रुव के साइड में और दक्षिण ध्रुव के साइड में, और इसको बिल्कुल सेंटर में से अगर काट दिया जाए, विभाजित कर दिया जाए, तो वो क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध उत्तरी ध्रुव साइड वाला और दक्षिणी गोलार्ध दक्षिणी साइड वाला, ये कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? हमें सूर्य किस साइड से दिखाई देता है? पूर्व से दिखाई देता है और पश्चिम में छिपता है। और कब ऐसा होगा? जब हमारी धरती इसके विपरीत घूमे, यानी पश्चिम से पूर्व। हमारी धरती कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आप सभी जानते होंगे। इसका आंसर है 23.5 डिग्री। और वो कैसे देखते हैं। मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है और ये आपका परिक्रमा, यानी सूर्य की जो परिक्रमा करती है वो कैसे करती है? वो इस तरीके से करती है, इस तरीके से करती है, ठीक है। तो एक तल बनाती है, ये एक समतल बनाती है और इसके बिल्कुल लंबवत जो स्थिति होती है वो ये होती है। तो इससे कितना डिग्री इसमें डिफरेंस आ जाता है? इसमें ये जो है 23.5 डिग्री अपने अक्ष से झुका हुआ इसको माना गया है। यानी कितना माना गया है? माना क्या गया है? ये अपने समतल के अक्ष से कितनी झुकी हुई है? ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी तरीके से जब परिक्रमण कक्ष से इसकी डिग्री देखी जाती है, अभी हमने देखा इसके अक्ष से, अक्ष एक्चुअल में होता है ऐसे लंबवत होता है परिक्रमा तल के, लेकिन ये हमारे परिक्रमण तल के जो अक्ष है उससे कितनी झुकी? 23.5 डिग्री। लेकिन जब पूछा जाए परिक्रमण तल कक्ष से कितना इसके झुकाव माना जाएगा, तो वो है, वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? वो 66.5 डिग्री का एंगल। यहां पर आपको एक चीज कंफर्म करनी है, ये अक्ष से झुकी हुई है। किससे?
अक्ष से, लेकिन जब परिक्रमण कक्ष से इसका झुकाव देखा जाता है तो वो क्या माना जाता है, कितना डिग्री का एंगल माना जाता है, वो 66.5 डिग्री का माना जाता है, और जबकि अक्ष की बात करते हैं तो 23.5 डिग्री का ये कोण बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है। देखिए कर्क रेखा, मकर रेखा, ये अक्षांश रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में है। आपको अगर बेसिक ज्योग्राफी अगर आपने समझ ली तो आपको बाद में बहुत कुछ समझने में आसानी होगी, और अगर आप इस चीज को नहीं समझ पाते हैं तो आपको बहुत परेशानी होगी आगे के कुछ फैक्ट्स को समझने में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, विषुवत रेखाएं, इन चीजों के बारे में आपको अच्छी से नॉलेज होनी चाहिए, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है, कर्क रेखा आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर निर्भर मतलब स्थित है। कहां पे है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा स्थित है। कैसे है देखते हैं, ये आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। कहां है आपकी अक्षांश रेखा, ये जो रेड रेड कलर में डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये क्या है आपकी अक्षांश रेखाएं। इनको कैसे डिवाइड किया गया, यानी 0 डिग्री, ये कौन सी रेखा है आप जानते हैं, अभी हमने बात की थी इसके बारे में, ये कौन सी है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। और इससे हर इस तरीके से हम इसको गोल घेरा बनाते हैं, और मतलब इसके समानांतर, किसके, विषुवत रेखा के समानांतर जो होती है सारी अक्षांश रेखाएं, कैसे होती है, विषुवत रेखा के समानांतर होती हैं, और ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरह 90 डिग्री तक होती हैं, और ये पोल्स तक होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये उत्तरी साइड में जब जाती है अक्षांश तो ये उत्तरी अक्षांश कहलाता है, और जीरो विषुवत रेखा से दक्षिण की तरफ जितनी रेखाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, दक्षिण अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और हमारे जो बताया गया है, हमें पूछा गया है कि कर्क रेखा कहाँ होती है, तो कर्क रेखा कहाँ होगी, 23.5 डिग्री पर। 23.5 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 23.5 डिग्री का मतलब हो गया आपका करीबन ये हिस्सा, ये आपका करीबन क्या हो गया, कर्क रेखा। और इसी तरीके से मकर रेखा क्या होगी, मकर रेखा यहां पर होगी। देखिए इस डायग्राम में आपने दे भी रखा है दूसरे वाले में, ये क्या है आपकी कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, और ये आपकी कौन सी मकर रेखा है जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। इसी तरह देखते हैं, ये आर्कटिक रेखा है जो 66.5 डिग्री दक्षिण रेखा, अंटार्कटिक रेखा है जो 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है, और ये क्या सी है आर्कटिक रेखा जो 66.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है, आर्कटिक व्रत कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये जो हिस्सा है ऊपर जो उत्तरी ध्रुव बचा है, यानी आर्कटिक रेखा से ध्रुव तक का जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है, आर्कटिक व्रत कहलाता है। और इसी तरह अंटार्कटिक रेखा से और ये ध्रुव तक का जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है, अंटार्कटिक व्रत कहलाता है। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के हिस्से को हम क्या कहते हैं, इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, इस हिस्से को हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं। और इसी तरीके से कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा, इसी तरीके से मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा, इसके बीच में जो एरिया है, यानी ये वाला एरिया, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है इस साइड का, ये क्या कहलाता है, ये होता है, ये ऊपर वाला जो उत्तरी ध्रुव वाला है वो उत्तर शीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा, और ये दक्षिण वाला जो हिस्सा है वो दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। शीत और उष्ण से मिलकर ये बनता है शीतोष्ण, इसी तरह, और ये दक्षिण में है इसलिए इसको दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध, और ये उत्तर में है इसलिए इसको उत्तर शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। और इसके जो मध्य भाग का हिस्सा है, ये जो हिस्सा है जो कर्क रेखा से मकर रेखा तक के बीच में होता है, इसको क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंध कहा जाता है, और लोग इन चीजों क्या कहते हैं, ताप कटिबंध कहते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, भारत का मानक समय कितने डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया जाता है। भारत का मानक समय कितने डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया जाता है। तो अभी तक हमने बात की थी अक्षांश रेखाओं के बारे में, अब हम बात करें देशांतर रेखाओं के बारे में। तो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, पहली बात तो मानक समय जो निर्धारित किया जाता है उसको जान लेते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है। कितने डिग्री से, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। अब इस डायग्राम को देखते हैं, इसमें ये जो दिखाया गया है ये क्या है, ये आपकी देशांतर रेखाओं को शो किया गया है। किससे, ये जो छोटे छोटे रेड कलर की जो लाइनें हैं इनसे क्या, मान लीजिए उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक आप किसी धागे से या किसी रस्सी से आप एक लाइन खींच दें तो वो क्या कहलाएगी, वो आपकी देशांतर रेखाएं कहलाएंगी। और इसमें टोटल कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं, देखिए पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पश्चिम देशांतर, 4 डिग्री पश्चिम देशांतर, इस तरीके से पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो ये कहां तक जाएगा, 180 डिग्री तक जाएगा। ये कहां तक जाएगा, 180 डिग्री तक ये जाएगा। इसी तरीके से ग्रीनविच इस साइड जाते हैं तो ये कहां तक जाएगा, ये पूर्वी देशांतर जाएगा, पूर्वी देशांतर तक जाएंगे। तो ये टोटल कितने हुए आपकी, 179 तो कितनी हो गए पश्चिमी देशांतर हो गए, और 179 ही पूर्वी देशांतर हो गए। और देखिए 0 डिग्री दोनों के बीच में है, कॉमन है, तो एक ये हो गया, और एक कौन सा है, 180 डिग्री, क्योंकि ये पश्चिम
180 डिग्री पे पश्चिमी देशांतर भी यही है और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर भी यही है, तो इस वजह से ये भी कॉमन हो गया और ये कितने हो गए टोटल 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। कितनी होती है टोटल 360 रेखाएं देशांतर होती हैं। अच्छा इसको 0 डिग्री वाली जो ग्रीनविच रेखा है, पहली बात तो इसको ग्रीनविच क्यों कहा गया, ग्रीनविच इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रिटेन में ग्रीनविच शहर है, वहां से इस रेखा को डिसाइड किया गया और जब इस रेखाओं की कल्पना की गई थी देशांतर रेखाओं की तो ब्रिटेन का अपना प्रभुत्व रहा उस वक्त, तो ब्रिटेन ने अपने यहां से इसको सेंटर पॉइंट मानते हुए देशांतर रेखाओं की कल्पना की है और उसी वजह से यहां पर जैसे अब मान लीजिए इसको, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा कहा गया। और यहाँ जो 180 डिग्री है इसको क्या कहा जाता है, इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 डिग्री जो है वो क्या कहलाती है, 180 डिग्री जो है वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है और 0 डिग्री वाली ग्रीनविच रेखा कहलाती है। अब देखिए इस चीज को और समझ लेते हैं, जब हम ग्रीनविच से पश्चिम देशांतर की तरफ होते हुए 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ से हम एक तरीके से पीछे हो रहे थे, यहाँ दिन के 12 बज रहे हैं तो यहाँ 11 या 8 इस तरीके से उल्टा जाते 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 हम दिन की शुरुआत में पहुंच जाते हैं। मान ली यहाँ पर 1 तारीख हो रही है, 1 तारीख का स्टार्टिंग 12:01 हो रही है रात के, ठीक है यहाँ पे 12:01 हो रही है, तो यहां से जब आएगा तो हम यहां तक पहुंचते पहुंचते दिन के 12 बज रहे होंगे उसी वक्त, जब यहां पर रात के 12:01 हो रही है तो यहाँ पे दिन के 12 बज रहे होंगे। और इसी तरीके से जब हम यहां से जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर अगले दिन के 12 बज जाएंगे, यहाँ पे आके 180 डिग्री पे आके अगले दिन के 12:01 हो जाएगी। यानी अगर यहाँ तारीख 5 तारीख हो रही है तो यहाँ पर आकर वापस जब हम घूमकर वापस जाएंगे तो यहाँ पर 6 तारीख हो चुकी होगी। तो आप इसको तिथि रेखा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके थोड़ा सा भी इधर आ गए तो आपकी डेट चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपका दिन ही चेंज हो जाएगा, तारीख चेंज हो जाएगी और वो तारीख कैसे होगी वो आप देख रहे हैं, है ना। तो अच्छा इस बात एक बार, जब समय की बात की जाती है तो समय हम आपको पता है देशांतर रेखाओं से पता चलता है, तो एक बात याद रखिएगा ग्रीनविच रेखा से अगर पश्चिम की तरफ हम बढ़ रहे हैं यानी पश्चिम की डिग्री बढ़ रही है देशांतर रेखाओं की, तो हमेशा हमें समय को घटाना पड़ेगा, और जब पूर्वी की तरफ हम बढ़ते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, समय को जोड़ना पड़ता है। चलिए इसको और आगे देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और वो क्या है, पृथ्वी 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है, पृथ्वी 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है। तो इसको हम बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पृथ्वी हमारी गोल गोल घूमती है ये आपको पता है, वो एक सर्कल की तरह है और सर्कल में कितना डिग्री का एंगल होता है वो आता है आपको पता है 360 डिग्री यानी 360 डिग्री का होता है। तो भाई 360 डिग्री कितने समय में घूमती है, भाई 1 दिन में एक चक्कर हमारी पृथ्वी पूरा घूर्णन पे कर लेती है, तो यानी 24 घंटे का समय, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, 360 भाग 24 यानी कितना हुआ, वो आता है 15 डिग्री, ठीक है। तो 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूमेगी, 15 डिग्री घूमती है। इसी को क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लिया गया, 1 डिग्री देशांतर में कितने समय का अंतर आता है, 1 डिग्री देशांतर में कितने समय का अंतर आता है। पहली बात तो आपको अच्छे से पता है देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, देशांतर रेखाएं टोटल हमारे पास 360 देशांतर रेखाएं होती हैं, पता है आपको। और आपके पास जो टाइम है कितने समय में घूमती है, आपको 24 घंटे में एक चक्कर आपकी पृथ्वी लगा लेती है अपने अक्ष पर, तो जो उसका टाइम दिन और रात का जो टोटल समय होता है वो कितना होता है, 24 घंटे होता है, और कितने मिनट होती है इसमें, वो आपकी होती है 1440 मिनट, ठीक है। 1440 मिनट का जो समय होता है एक पूरे दिन में, इतनी देर में वो 360 डिग्री वो घूम लेती है, यानी आपको ये बताना है कि कितना समय 1 डिग्री देशांतर में लगता है। तो आप 1440 जो मिनट है उसमें 360 डिग्री का भाग दे दीजिए तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 4, यानी इसका आंसर क्या हो गया, 4 मिनट। यानी 1 डिग्री देशांतर जैसे ही बदलेगा तो हमारा समय का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 4 मिनट आ जाएगा। आपने अभी भारत का जो मानक समय था वो 82.5 डिग्री था, कितना था, 82.5 डिग्री था, ठीक है। अब आप देखिए ग्रीनविच से कितनी था, 82.5 डिग्री ज्यादा था, यानी ये कौन सा है, पूर्वी देशांतर है, याद रखिएगा हमारा जो भारत का मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो मानक देशांतर क्या है हमारे समय का, 82.5 डिग्री। अब इसको 82.5 को आप जब 82.5 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो आपके पास जो मिनट आएंगी वो टोटल मिला के कितने बदल जाएंगी, 5.5 घंटे। यानी हमारा जो टाइम है वो ग्रीनविच लाइन से 5.5 घंटे आगे चलता है, यानी जब वहां पर दिन के 12 बज रहे होंगे तो हमारे यहाँ पे शाम के 5:30 बजते हैं, हमारे यहाँ पे क्या बजते हैं, 5:30 शाम के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, यदि 15 डिग्री पश्चिम देशांतर पर दोपहर के 1 बजे हो, यदि 15 डिग्री पश्चिम देशांतर पर दोपहर के 1 बजे हो तो उसी समय 20 डिग्री पश्चिम देशांतर पर कितना समय होगा उसी वक्त। अब देखिए मैंने आपको एक बात बोली थी बीच में समझाते हुए कि जब आप पश्चिम देशांतर की ओर बढ़ते हैं तो आपको हमेशा क्या करना है, समय को घटाना है, समय को क्या करना है,
माइनस करना है, घटाना है। तो देखिए 15 डिग्री से 20 डिग्री की तरफ जा रहा है, तो मतलब देशांतर, पश्चिम देशांतर की तरफ ये बढ़ रहा है। तो कितने डिग्री बढ़ गया, 5 डिग्री बढ़ गया। तो कितना हो गया, 1 डिग्री में कितना डिफरेंस आता है, 4 मिनट का आता है, यानी ये 20 डिग्री पीछे के समय में चला गया। तो जब यहां पर दिन के दोपहर के 1 बज रहे हैं तो वहां पर क्या बजेंगे, दोपहर के 1 बजने से 20 मिनट कम बजेंगे, तो क्या होगा, मतलब 12 बज के 40 मिनट ही हो रहे होंगे वहां पे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 12 बजकर 40 मिनट दोपहर के, यानी पीएम। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कौन से राज्य से गुजरती है। ये आपका नॉर्मल जीके का क्वेश्चन है, जो हमारा मानक समय की जो रेखा देशांतर निर्धारित किया गया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, वो कौन से राज्य से गुजरती है। तो वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। उनका आंसर है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में पूरा करती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में पूरा करती है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरा करती है, आप सभी जानते हैं 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। और आपको पता है कि 365 दिन 6 घंटे में जो पूरा करती है, तो 4 साल में ये 6 घंटे मिलकर टोटल मिला के 24 घंटे हो जाते हैं, यानी एक दिन बढ़ जाता है पूरा हमारे पास। और ये एक दिन जब चौथे साल में ऐड कर दिया जाता है तो हमारे साल में हो जाते हैं 366 दिन, और इसी साल को हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं, यानी लीप वर्ष कहते हैं या अधिक वर्ष कहते हैं। कौन से, हर चौथे वर्ष को, क्यों, क्योंकि जो 6 घंटे होते हैं, ये जो 6 घंटे होते हैं, ये 4 साल में मिलकर पूरा एक दिन में बदल जाता है, इस वजह से हमें हर चौथी साल में एक दिन को बढ़ाना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर एक अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं। अभी हमने बात करी पृथ्वी पर एक अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसंत विसुन कब होता है, बसंत विसुन कब होता है। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं ये क्या है। ये आपका 21 मार्च को होगा। इसी तरीके से पतझड़ विषुव कब होता है, पतझड़ विषुव कब होता है, इसका आंसर देखिए 23 सितंबर को, है ना। पतझड़ विषुव कब होगा, 23 सितंबर को। उत्तरी अयनांत कब होता है, उत्तरी अयनांत क्या होगा, उत्तरी अयनांत अभी बताता हूं, 21 जून कर्क रेखा पर जब सूर्य आता है और वहां से जब वापस दक्षिण की ओर बढ़ने लगता है, वहां से जब वापस सूर्य दक्षिण की ओर बढ़ने लगता है तो वो क्या उत्तरी अयनांत कहलाता है, उसके बारे में हम बात करते हैं अभी एक डायग्राम में। 21 जून को ये काम शुरू होता है कर्क रेखा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अयनांत कब होता है, दक्षिण अयनांत आपका होता है 22 दिसंबर मकर रेखा से ये प्रारंभ होता है। कब प्रारंभ होता है, 22 दिसंबर से मकर रेखा पर। और इन चारों क्वेश्चन को हम एक डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए, ये बीच में सेंटर में आप जानते हैं ये हमारा सन है, ये हमारी पृथ्वी की 4 स्टेटस हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग समय में। ये कौन सा टाइमिंग है, ये 21 जून का समय है, ये 21 जून का समय है। हमारी धरती आपको अच्छे से पता है किस तरीके से है, हल्का सा तिरछा इसकी है, ये हमारी सीधी ना होकर, यानी सीधी ऐसे होकर ना होकर, ये हमारा जो अक्ष से 30.5 डिग्री झुकी हुई है। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये होता है कि इसका जो डिफरेंट डिफरेंट हिस्सा जो सामने आता है, कभी ये दक्षिण जब इस हिस्से में आएगी, इस हिस्से में आएगी तो उत्तरी ध्रुव वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को कम आपकी रोशनी मिलेगी, कम टेम्परेचर मिलेगा, कम ताप मिलेगा, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये सूर्य के बिल्कुल सामने ना होकर ये वाला हिस्सा प्रॉपर सामने रहेगा। कौन सा वाला, ये हिस्सा ज्यादा सामने रहेगा बजाय कि इस हिस्से के। और इसी के विपरीत 21 जून में जो स्थिति होती है वो ये होता है कि ये हिस्सा सामने रहता है और ये हिस्सा सूर्य से थोड़ा सा दूर होता है, ये छाया वाला ज्यादा भाग होता है, तो यहां पर रोशनी कम पहुंचती है, तो ये हिस्सा है यहां पर ठंड पड़ रही होती है उसमें। इसी तरीके से उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव जब इस तरीके से देखते हैं तो ये मौसम सम की अवस्था में होता है, और इस स्थिति में यहाँ विषुवत रेखा जो है उस पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है, और यहाँ पर देखें तो यहाँ पे भी लगभग लगभग वैसी ही सिचुएशन रहती है जहाँ पे वसंत ऋतु हम कहते हैं। ये जो ऋतुएं हैं, ये ऋतुएं किसके परिप्रेक्ष्य में, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में कही गई है, ऐसा सभी लोगों के यहाँ पे ये स्थिति नहीं बताई गई है, यह भारत में वो ऋतुएं कौन सी चल रही होंगी उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो आपने देखा यहाँ शरद ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और आपका ये शीत ऋतु, इनके बारे में, दक्षिण अयनांत, इसका समय क्या क्या है, इन चीजों के बारे में आपको बताया गया है। चैप्टर नंबर 5 क्लास 6 का आरबीएससी बुक से, और आज हम मानचित्र जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे, और ये बहुत बेसिक चैप्टर है और मैं मानता हूं कि ये नॉलेज सभी को होती है। तो चलिए फटाफट से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर इस चैप्टर को फ्री करते हैं। तो चलिए चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1, नई दुनिया अमेरिका की खोज का श्रेय किसको जाता है, नई दुनिया या अमेरिका की खोज का श्रेय किसको जाता है। तो देखिए, नई दुनिया क्यों कहा जाता है, नई दुनिया यहाँ वर्ड क्यों यूज किया गया है, क्योंकि जब अमेरिका की खोज हुई थी तो यूरोप, एशिया और अफ्रीका, इन तीनों महाद्वीपों के बारे में ही जानकारी प्राप्त थी।
और अमेरिका के बारे में जब खोज हुई तो ये इस दुनिया के लिए बिल्कुल एक नई दुनिया की तरह माना गया। तो इस वजह से इसको नई दुनिया की खोज के तरह भी देखा जाता है। इस वजह से कहा जाता है कि नई दुनिया की खोज या अमेरिका की खोज कब हुई और किसने की, तो वो थी कोलंबस ने की। हम सभी जानते हैं कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, और कब की थी? 1492 ईस्वी में। 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप से भारत तक की समुद्री मार्ग की खोज किसने की? यूरोप से भारत तक की समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो आप सभी जानते हैं यूरोप से भारत तक की समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, और वो थे वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में। यहाँ एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है जो आता है कि जो वास्को डी गामा थे वो कहाँ पर आए थे? तो वो आए थे केरल राज्य के कालीकट तट पर आए थे। कहाँ पर आए थे? केरल राज्य के कालीकट तट पर आए थे वास्को डी गामा, जो 1498 ईस्वी में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लोब किसे कहा जाता है? ग्लोब किसे कहा जाता है? तो ग्लोब किसे कहा जाता है बच्चों? पृथ्वी का प्रतिरूप। पृथ्वी का प्रतिरूप यानी पृथ्वी का मॉडल जो बनाया होता है उसको हम ग्लोब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र किसे कहा जाता है? मानचित्र किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर है किसी क्षेत्र का द्विआयामी चित्रण। किसी क्षेत्र का द्विआयामी चित्रण। देखिए द्विआयामी यानी 2D। 2D आप सभी जानते हैं, जिसकी ये एक साइंस का विषय है 2D और 3D, लेकिन हम एक सिंपल भाषा में ये समझ सकते हैं किसी समतल जगह पर, जैसे कि पेज एक समतल जगह होती है, या किसी प्लेन जगह पर अगर किसी चीज का चित्र बना दिया जाए और तो वो क्या होगा? द्विआयामी चित्र कहलाएगा। तो द्विआयामी चित्र किसी पर्टिकुलर चीज, मान ली भारत क्षेत्र है, उसको हम कोई द्विआयामी चित्रण बनाते हैं, यानी किसी प्लेन जगह पर भारत के मैप को छाप देते हैं, भारत को बना देते हैं बिल्कुल उसी के अनुपात, जैसे निश्चित अनुपात में उसको बना के रख देते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वो उसका मानचित्र कहलाएगा, भारत का मानचित्र कहलाएगा। तो उसको हम क्या कहेंगे? क्षेत्र का द्विआयामी चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाता है? कौन सा मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाता है? तो हम सभी जानते हैं वो कौन सा है? भौतिक मानचित्र या फिजिकल मैप, जिसे हम कहते हैं भौतिक मानचित्र या फिजिकल मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा मानचित्र देश, राज्य, शहर, गांव, विभिन्न देशों व राज्यों की सीमाओं को दर्शाता है? कौन सा मानचित्र देश, राज्य, शहर, गांव, विभिन्न देशों व राज्यों की सीमाओं को दर्शाता है? तो हम सभी जानते हैं कौन सा दर्शाता है? राजनीतिक मानचित्र या पॉलिटिकल मैप। राजनीतिक मानचित्र या पॉलिटिकल मैप, जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विषयक या थीमेटिक मानचित्र किसे कहते हैं? विषयक या थीमेटिक मानचित्र किसे कहते हैं? तो देखिए विषयक या थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? मानचित्र जो किसी वस्तु विशेष की जानकारी दे। वस्तु विशेष की जानकारी का मतलब यहाँ पे क्या है? जैसे मान लीजिए परिवहन सिस्टम के बारे में बात की जाए, परिवहन सिस्टम के बारे में बात की जाती है तो वो कैसे, जैसे कि हमें कहीं की सड़कों के बारे में बताना है कि यहाँ से ये सड़क जाती है, यहाँ से ये ट्रेन जा रही है, यहाँ से इस तरीके से रास्ता बना हुआ है, तो हमने एक पर्टिकुलर ये दे दिया, यातायात का सिस्टम हमने अगर किसी मैप में शो कर दिया, या फिर हम शो करें तापमान के बारे में, तो हमने शो किया जैसे राजस्थान में यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है और इस जगह पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है, यहाँ पे सामान्य रहता है, तो हम अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग तरीके से शो कर रहे हैं वहाँ मैप के ऊपर। तो ये क्या हो गया? एक पर्टिकुलर थीम हो गई, ये पर्टिकुलर एक विषय हो गया, उसके ऊपर हमने पूरे मैप को बना दिया, तो ये क्या हो गया? विषयक मानचित्र कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? थीमेटिक मानचित्र या विषयक मानचित्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भू संपत्ति या कैडस्ट्रल मानचित्र किसे कहते हैं? भू संपत्ति या कैडस्ट्रल मानचित्र किसे कहते हैं? तो देखिए भू संपत्ति, इससे ही आपको पता चल रहा है, भू संपत्ति का मतलब हो गया ये भू संपत्ति या कैडस्ट्रल मानचित्र आपके पास सबसे ज्यादा आसपास आपके पास किसके पास मिलता है देखने को? वो मिलता है पटवारियों के पास मिलता है। क्यों? क्योंकि मानचित्र जिसमें छोटे क्षेत्रों को बड़े पैमाने पर दर्शाया जाता है, मानचित्र जिसमें छोटे क्षेत्रों को बड़े पैमाने पर दर्शाया जाता है। तो कैसे, किस पैमाने की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? जैसे मान लीजिए गांव में जमीन है, उस जमीन के खेतों का जो मानचित्र है वो पटवारियों के पास होता है मोस्टली, उनके पटवारी ही इसको मोस्टली रखते हैं, तो वो कौन सा खेत किसका है, किसका कितना पैमाना है, तो इस चीज की जो जानकारी रखते हैं, तो वो क्या हो गया? बहुत छोटे 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 क्षेत्र हैं, जैसे गांव का एरिया बना लिया तो उसका पूरी जमीन का ब्यौरा उसमें रख लिया, तो वो क्या कहलाएगा? कैडस्ट्रल मानचित्र कहलाएगा। इसमें एक जो चीज और इम्पोर्टेंट है वो क्या है? वो आपका आता है ये जो बड़ा पैमाना है। देखिए आपके आरबीएससी की बुक में बड़े पैमाने और छोटे पैमाने के बारे में बात नहीं की गई है, लेकिन कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन मैंने अराइज होते हुए देखा है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। किसी मैप में 1 सेंटीमीटर में अगर 1000 किलोमीटर को दर्शाया जाए, मान लीजिए किसी 1 सेंटीमीटर से कहा जाए कि मैं इसमें 1 सेंटीमीटर जो लाइन खींच रहा हूँ वो 1000 किलोमीटर के बराबर मानी जाए,
तो ये एक छोटा पैमाना हो गया, ये एक बड़ा पैमाना नहीं हुआ, ये एक छोटा पैमाना, क्योंकि हमने एक बहुत बड़े स्केल को बहुत छोटी सी उसमें बता दिया, तो इसको क्या हुआ, छोटा पैमाने वाला कहा जाता है। और उसी जगह जब हम किसी गांव का चित्र बनाते हैं, गांव का किसी मैप को बनाते हैं, तो हम कहते हैं 1 सेंटीमीटर = 500 मीटर, तो हमने क्या किया, 1 किलोमीटर से भी कम का पैमाना हमने रख लिया 500 मीटर, तो ये क्या हो गया, उसके कंपेरेटिवली उसकी तुलना में एक बड़ा पैमाना हो गया। तो इस चीज को बड़े पैमाने और छोटे पैमाने का आपको अंतर समझना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मानचित्र मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए मानचित्र हम अभी देखते हुए और पढ़ते हुए आएंगे कि हमने कितने प्रकार के मानचित्रों के बारे में पढ़ा, तो मुख्यतः जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। और 4 प्रकार कौन कौन से हैं? आपका भौतिक मानचित्र यानी फिजिकल मैप, राजनीतिक मानचित्र यानी पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक या विषयक मानचित्र, और भू संपत्ति या कैडस्ट्रल मानचित्र। इस तरह कौन कौन से होते हैं दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं, भौतिक या फिजिकल मैप, राजनीतिक या पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक या विषयक मैप, और भू संपत्ति या कैडस्ट्रल मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। मानचित्र में रूढ़ चिन्ह क्या है? मानचित्र में रूढ़ चिन्ह क्या है? तो परंपरागत मान्यता वाले चिन्ह, परंपरागत मानने वाले, आपने देखा होगा रूढ़ शब्द जो है वो रूढ़ीवादी, रूढ़ीवादी मतलब पुरानी विचारधाराओं से संबंधित एक शब्द है। रूढ़ शब्द को क्या कहा जाता है? पुरानी विचारधाराओं से संबंधित एक शब्द के तौर पर यूज किया जाता है। तो हमने यहाँ कहा गया परंपरागत, परंपरा मतलब पुरानी परंपराएं जो चली आ रही है उसके हिसाब से हमने चिन्ह को, जैसे कि पानी को हम सामान्य तौर पर जो मैप है वो नीले कलर से दिखाते हैं, है ना, आसमानी और नीले कलर से दिखाते हैं, तो ये परंपरागत चिन्ह है उसके, कि हाँ भाई नीले कलर से दिखाया जा रहा है तो ये पानी का सिंबल है। तो इस तरीके से जो रूढ़ चिन्ह है वो कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम ग्लोब निर्माण कब का माना जाता है? प्रथम ग्लोब निर्माण कब का माना जाता है? कब माना जाता है प्रथम ग्लोब निर्माण? जो है 13वीं सदी के पश्चात पहला ग्लोब जो बना था वो 13वीं सदी के पश्चात माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किस सदी में हुआ? प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किस सदी में हुआ? देखिए जब मानचित्र की बात करते हैं तो प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो इसका हमें जानकारी होनी चाहिए। प्रिंटिंग मशीन का जो आविष्कार है वो 16वीं शताब्दी में माना गया है। प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार कब माना गया है? 16वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाका किसे कहा जाता है? खाका किसे कहा जाता है? तो देखिए खाका जो शब्द है उसको हम समझते हैं छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है रेखाचित्र। यहाँ देखिए मानचित्र शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। मानचित्र में क्या हो गया, बिल्कुल निश्चित अनुपात में अगर कोई चीज खींचा जाती है, जैसे कि 1 सेंटीमीटर में अगर 500 मीटर रखा गया है तो मतलब वो 500 मीटर ही है, ऐसा नहीं है कि 1 सेंटीमीटर 450 मीटर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर खाका जो शब्द है, खाका जो है रेखा चित्र खींचा गया, मतलब उसका पैमाना बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, कि ऐसा नहीं कि इतना ही है, ऐसा नहीं होता, उसमें लगभग माना जाता है, उसमें अंदाजे से बनाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप अपने मित्र को कहें कि भाई विद्यालय का मतलब अपने स्कूल का एक खाका बनाकर दे दें कि यहां से आने का रास्ता ये है, तो आप छोटी छोटी चीजें को वहां शो करेंगे और एक मतलब ऊपर हल्की सी रेखाओं से बना के उसको एक रास्ता दिखा देंगे कि यहां से यहां पे ये मिलेगा, यहां पे मिलेगा, और इस तरीके से आप आ जाना, तो आपने एक पेज पे खाका बना दिया उसका, तो वो खाका कहलाएगा। रेखा चित्र क्या हुआ, बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल अनुपात में आपने कोई डायग्राम बनाया, कोई पूरा चित्र बनाया, वो मान रखकर अगर कोई चित्र बनाया तो मानचित्र है, लेकिन जब हमने अंदाजे से कोई चीज बनाई तो वो रेखा चित्र है। तो छोटे क्षेत्र का, अब विद्यालय के पास आने का रास्ता कोई बड़ा मानचित्र तो बनेगा नहीं, छोटे से एरिया का ही चित्र बनाया जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो खाका कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेखा चित्र किसे कहा जाता है? तो रेखा चित्र के बारे में हम अभी बात कर रहे थे। रेखा चित्र किसे कहा जाता है? रेखाओं से बनाया गया गैर अनुपातिक चित्र, गैर अनुपातिक चित्र यानी अंदाजे से बनाया गया चित्र, उसमें एग्जैक्ट अनुपात नहीं होता, निश्चित अनुपात हम नहीं लेते कि भाई इतने में इतना इतना माना जाए, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर में 500 मीटर माना जाए, ऐसा कुछ नहीं है, उसका कोई निश्चित नहीं होता, वो जस्ट एक रेखा चित्र होता है, अप्रोक्स आइडिया होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। दिक सूचक यंत्र की सुई किस दिशा को निर्धारित करती है? दिक सूचक यंत्र की सुई किस दिशा को निर्धारित करती है? तो पहली बात तो हमें पता होना चाहिए दिक सूचक क्या है। दिक एक संस्कृत का शब्द है, दिक यानी दिशा, दिशा सूचक यंत्र या दिक सूचक यंत्र क्या होता है आप सभी जानते हैं, कंपास होता है, और उसकी जो सुई होती है वो किस दिशा को निर्धारित करती है? तो इसका आंसर हम सभी जानते हैं, वो है उत्तर दिशा। तो ये इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है, तो मिलते हैं नए चैप्टर में, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6, और हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 1। पृथ्वी का कितना भूभाग है? पृथ्वी का कितना भूभाग है आप सभी जानते हैं, पृथ्वी का 29% भूभाग जो है पृथ्वी का वो धरती है हमारी, और पृथ्वी का जो महासागर है वो कितने भाग में आता है पूरी धरती के, वो 71% यानी 71% जो भाग है वो पृथ्वी का क्या है, महासागर है, जलीय क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाद्वीप और महासागरों की संख्या कितनी है? महाद्वीप और महासागरों की संख्या कितनी है? तो महाद्वीप में तो सभी बता देते हैं 7, लेकिन महासागरों में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो देखिए महाद्वीप है हमारे 7 और 4 है महासागर। ठीक है,
आपके महाद्वीप कितने हैं? सात हैं, और महासागर आपके टोटल कितने हैं? चार महासागर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल अथवा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल अथवा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर है एशिया। एशिया जो है क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और ये टोटल धरती का करीबन 30% हिस्सा, यानी 30% हिस्सा ये कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करते हैं। एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करते हैं। एशिया और महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में जो बैरियर्स हैं जो अलग इनको करते हैं वो क्या है? उसका आंसर है स्वेज नहर और लाल सागर। एशिया महाद्वीप और अफ्रीका को स्वेज नहर और लाल सागर द्वारा अलग अलग देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग करता है। एशिया महाद्वीप को अभी आपने देखा था, किसे देखा था? अफ्रीका से देखा था, और इसमें क्या है आपको यूरोप से अलग जिसमें करता है उसका नाम आपको बताना है। तो उसका आंसर है यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर। हमारा एशिया महाद्वीप है जो यूरोप से किस प्रकार अलग है? यूरोप पर्वत, यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर इसके बीच में आते हैं जो इसको अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया किस महासागर से घिरा हुआ है? एशिया किस महासागर से घिरा हुआ है? तो इसका आंसर है पूर्व में प्रशांत महासागर है, उत्तर में आर्कटिक महासागर है, और दक्षिण में हिंद महासागर है। इसमें तीन जगह महासागर हैं, पूर्व में प्रशांत महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर, और दक्षिण में हिंद महासागर इसके स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप व एशिया के संयुक्त भूभाग को क्या कहते हैं? यूरोप व एशिया को संयुक्त भूभाग को क्या कहते हैं? यूरोप और एशिया जो है वो जो उनकी धरती है वो आपस में मिली हुई है, वो पूरी तरह अलग नहीं है। बाकी जो महाद्वीप है उनके बीच में जलीय सीमा है, लेकिन यूरोप और एशिया की भूमि जो है वो एक जगह ही है। तो इस वजह से इसको कंबाइंडली यानी यूरोप और एशिया को मिलाकर क्या कहा जाता है वो इसमें पूछा गया है, तो उसको हम कहते हैं यूरेशिया। उसको क्या कहते हैं? यूरेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा महाद्वीप मुख्यतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है? कौन सा महाद्वीप मुख्यतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है? तो देखिए इसका आंसर है एशिया महाद्वीप, क्योंकि एशिया महाद्वीप के कुछ द्वीप समूह ही हैं जो कि दक्षिणी गोलार्ध में पड़ते हैं, लेकिन मुख्य भूमि जो उसकी है वो पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? विश्व का सबसे ऊंचा शिखर किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा? देखिए आप सभी जानते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो माउंट एवरेस्ट है, लेकिन वो किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उसका आंसर है हिमालय पर्वत श्रृंखला का वो हिस्सा है, और जो हिमालय ये इसकी ऊंचाई जो माउंट एवरेस्ट की है वो 8848 मीटर है। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंट डिफरेंट बुक में अलग अलग दी गई है, लेकिन हमें यहाँ पर जब रीट के पेपर की बात हम जब कर रहे हैं तो वहां पर आरबीएससी के हिसाब से ही हमें आंसर टिक करना है। तो आप ये याद रखिएगा विशेष तौर पर कि 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई यहाँ पर बताई गई है, और ये कहाँ पर स्थित है? नेपाल और चीन की सीमा पर इसे स्थित माना जाता है। कहाँ पे? नेपाल और चीन की सीमा पर जो माउंट एवरेस्ट है वो वहां स्थित है, और ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे नीचा स्थान किस स्थान पर है? विश्व का सबसे नीचा स्थान किस स्थान पर है? देखिए अभी हमने विश्व का सबसे ऊंचा स्थान देखा, और ये विश्व का सबसे नीचा स्थान है, और ये कहां पर स्थित है? ये क्वेश्चन आपके आया भी है, और है क्या? मृत सागर है जो जॉर्डन इजराइल सीमा पर स्थित है, और ये मृत सागर जो समुद्र तल से 418 मीटर नीचा है, और कहां पे स्थित है दोबारा देख लीजिए, जॉर्डन और इजराइल सीमा पर स्थित है, जिसका नाम मृत सागर है, समुद्र तल से ये 418 मीटर नीचे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा पठार जिसे बर्फीला पठार भी कहा जाता है का क्या नाम है? विश्व का सबसे बड़ा पठार जिसे बर्फीला पठार भी कहा जाता है का क्या नाम है? तो इसको हम सभी जानते हैं, विश्व का सबसे जो बड़ा पठार है वो क्या है? तिब्बत का पठार, जिसे बर्फीला पठार भी कहा जाता है, और ये कहां पर है? ये एशिया के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो चीन में है, और चीन की जो यांगटीसी नदी है वो एशिया की सबसे लंबी नदी मानी गई है। चीन में जो यांगटीसी नदी है वो एशिया की सबसे लंबी नदी मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल अथवा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, देखिए आपने पहला महाद्वीप जो था वो था एशिया, और लेकिन जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? वो है आपका अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप जो है वो आपका जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से करीबन दूसरा विश्व का महाद्वीप है, और यहाँ पर कुल स्थान का 20% भाग पर ये फैला हुआ है। ये कुल स्थान का करीबन 20% भाग पर ये फैला हुआ है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस महाद्वीप से तीनों भूमध्य रेखा कर्क रेखा व मकर रेखा निकलती है? किस महाद्वीप से तीनों भूमध्य रेखा कर्क रेखा मकर रेखा निकलती हैं?
आप सभी जानते हैं क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर है अफ्रीका। अफ्रीका से जो तीनों रेखाएं हैं, भूमध्य रेखा जो है, कर्क रेखा है और जो मकर रेखा है, ये तीनों की तीनों रेखाएं कहां से निकलती हैं, ये अफ्रीका से निकलती हैं। और इसी वजह से यहाँ का जो मूलतः जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र माना जाता है। तो मतलब अफ्रीका का जो मेन जो पार्ट है वो किसमें आता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप से यूरोप महाद्वीप को अलग कौन करता है, अफ्रीका महाद्वीप से यूरोप महाद्वीप को अलग करता है, तो आपको याद होना चाहिए कौन अलग करता है, भूमध्य सागर। अफ्रीका महाद्वीप से यूरोप महाद्वीप को कौन अलग करता है, भूमध्य सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका किन महासागरों से घिरा है, अफ्रीका किन महासागरों से घिरा है, तो देखिए पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर। अफ्रीका किन महासागरों से घिरा है, पूर्व में हिंद महासागर है और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, इसका सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल जो कि उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो आपका सहारा मरुस्थल है और उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी नाम क्या है, विश्व के सबसे लंबी नदी का क्या नाम है, तो आप सभी जानते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है, विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम है नील नदी। और ये कहां पर है, ये भी आपको पता है, ये अफ्रीका में है। अफ्रीका में सहारा मरुस्थल के अलावा नामिक और कालाहारी मरुस्थल भी हैं जो काफी फेमस हैं, तो इनका भी नाम आपको याद रखना चाहिए, नामिक और कालाहारी मरुस्थल जो दक्षिण हिस्से में पड़ते हैं। चलिए और एक बात और, भूमध्य सागर में जो ये नील नदी है कहां पर गिरती है, भूमध्य सागर में गिरती है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे कि जो नील नदी है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो कहां पर गिरती है, भूमध्य सागर में ये गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा वर्षा वनों का क्षेत्र है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा वर्षा वनों का क्षेत्र है, तो ये कौन सा है, कांगो बेसिन। कांगो बेसिन का जो एरिया है वो सबसे बड़ा वर्षा वनों का क्षेत्र, दूसरा सबसे बड़ा वर्षा वनों का क्षेत्र माना जाता है। और ये जो कांगो बेसिन है वो किससे बना है, कांगो नदी की वजह से बना हुआ है जो अटलांटिक महासागर में गिरती है। कहां पे गिरती है, कांगो नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है। और आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि इसका जो विश्व का सबसे बड़ा वर्षा, ये दूसरा सबसे बड़ा वर्षा वन माना जाता है, लेकिन पहला सबसे बड़ा वर्षा वन कौन सा है, हम अमेजन, अमेजन के जो जंगल हैं विश्व के सबसे बड़े वर्षा वनों का क्षेत्र है। और वो कहां पे, वो भी अपने वर्षा वनों के हिसाब से ही अमेजन का जंगल अमेजन नदी के ऊपर ही पड़ा है। उसी तरह कांगो बेसिन है वो भी कांगो नदी के ऊपर पड़ा हुआ है इसका नाम। चलिए और देखते हैं, इस वर्षा वनों के पास जो भूमध्य रेखा के आसपास सवाना घास के मैदान भी है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये जो कांगो बेसिन है इसके आसपास सवाना घास के मैदान है जो भूमध्य रेखा के आसपास है, तो इस सवाना घास के मैदान के ऊपर भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कहां पर स्थित है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कांगो बेसिन पे है और भूमध्य रेखा के आसपास इनका क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगो बेसिन वर्षा वनों के पास भूमध्य रेखा के पास स्थित घास के मैदान क्या कहलाते हैं। देखिए मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कांगो बेसिन वर्षा वनों के पास जो भूमध्य रेखा के पास स्थित घास के मैदान है वो क्या कहलाते हैं, सवाना घास के मैदान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सवाना घास के मैदान कहलाते हैं। और हाँ, इन सवाना घास के मैदान एक चीज के लिए और फेमस है, वो है दो सिंग वाले जो गैंडे हैं, जेब्रा है, हिरण है, अफ्रीकी से विशेष तौर पर है, ये जीव यहाँ पर मिलते हैं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि दो सिंग वाला जो कि आपको पता है कि लुप्त होने के कगार पे है, दो सिंग वाला गैंडा है, जो गैंडा दो सिंग वाला गैंडा, जैबरा, हिरण, अफ्रीकी से विशेष तौर पे, ये सभी कहां हैं, ये इसी सवाना घास के मैदान के क्षेत्र में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है, अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है, अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है, एटलस पर्वत श्रृंखला, एटलस पर्वत श्रृंखला। और ये कहां पर स्थित है, मोरक्को से ट्यूनिशिया तक ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कहां से है, मोरक्को से ट्यूनिशिया, ये दोनों देश हैं मोरक्को और ट्यूनिशिया, तो मोरक्को से ट्यूनिशिया तक ये फैली हुई है, इसका नाम है एटलस पर्वत श्रृंखला और ये अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका का सबसे ऊंचा स्थान कहां स्थित है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा स्थान कहां स्थित है, तो उसका नाम है तंजानिया में किलिमंजारो के अंदर है, तंजानिया में किलिमंजारो। और आपको बता दूं कि तंजानिया में जो किलिमंजारो है और केन्या में जो केन्या पर्वत है वो ज्वालामुखी क्षेत्र है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो लावा निर्मित मिट्टी के उपजाऊ क्षेत्र है वो पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी मतलब उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, तो ये भी एक अपने आप में काफी इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की दूसरे सबसे बड़ी ताजे पानी की झील का नाम क्या है, विश्व की दूसरी सबसे बड़े ताजे पानी की झील का नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी का झील का क्या नाम है, विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील है। और अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया है जो विश्व की ताजे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? देखिए अभी तक हमने क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से जब देखा तो पहला तो एशिया था, दूसरा क्या था? अफ्रीका था। लेकिन अब हम केवल क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप की बात कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सा है। वो है उत्तरी अमेरिका, क्योंकि उत्तरी अमेरिका में आपका जो मुख्यतः जो देश आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? आपका कनाडा आ गया, यूएसए आ गया, मेक्सिको आ गया। तो ये बहुत ही विकसित देशों की श्रेणी में आ रहे हैं, विशेषतः यूएसए जो है विकसित देशों की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर जो जनसंख्या का प्रभाव है वो ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इस वजह से क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप भी है जिस हिसाब से विकसित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तरी अमेरिका किस प्रकार जल क्षेत्र से घिरा है? उत्तरी अमेरिका किस प्रकार जल क्षेत्र से घिरा है? उत्तरी अमेरिका में क्या है? देखिए उत्तर में आर्कटिक महासागर है, इसके दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी है, पूर्व में अटलांटिक महासागर है और पश्चिम में इसका प्रशांत महासागर स्थित है। ये देख लीजिए, उत्तर में आर्कटिक महासागर है, दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी है, पूर्व में अटलांटिक महासागर है और पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, न्यू फाउंडलैंड, वैंकूवर, वेस्ट इंडीज द्वीपीय समूह किस महाद्वीप का हिस्सा है? न्यू फाउंडलैंड, वैंकूवर, वेस्ट इंडीज द्वीपीय समूह किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो इनके बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा, वेस्ट इंडीज के बारे में तो बहुत अच्छे से सुना होगा। ये किसका हिस्सा है? उत्तरी अमेरिका के ही हिस्से हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वतीय शिखर कौन सा है? उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वतीय शिखर कौन सा है? तो कौन सा है उसका सबसे ऊंचा? माउंट देवाली। और माउंट देवाली जो है वो कहाँ, किसका, किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? अलास्का पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। माउंट देवाली जो उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वतीय शिखर है वो किसका हिस्सा है? अलास्का पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी अमेरिका का सबसे पुराना पुराना पर्वत कौन सा है? ठीक है, अभी आपने देखा सबसे ऊंचा, लेकिन ये क्या है, उत्तरी अमेरिका का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो इसका आंसर क्या है? अपलेशियन जो है, अपलेशियन पर्वत है जो उत्तर पूर्व में स्थित है, वो क्या है? उत्तरी अमेरिका का सबसे पुराना पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका का सबसे नीचा क्षेत्र कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका का सबसे नीचा क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो देखिए ये भी बहुत फेमस है और इसका नाम है मृत घाटी, जो कैलिफोर्निया में स्थित है। देखो कैलिफोर्निया भी बहुत फेमस है और मृत घाटी भी बहुत फेमस है। तो उत्तरी अमेरिका का सबसे नीचा क्षेत्र कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में है और इसको हम क्या कहते हैं? मृत घाटी के नाम से जानते हैं। मिसिसिपी, मिशौरी और ओहियो किस महाद्वीप का अंग है? मिसिसिपी, मिशौरी और ओहियो किस महाद्वीप का अंग है? ये जो तीनों नदियां हैं, ये मिसिसिपी और मिशौरी और ओहियो हैं, ये क्या है? ये तीनों नदियां हैं और ये किसका महाद्वीप का अंग है? ये उत्तरी अमेरिका का ही हिस्सा है। किसका अंग है? ये उत्तरी महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका का ही हिस्सा है। मिसिसिपी, मिशौरी और ओहियो क्या है? ये तीनों नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरी और बड़ी ग्रांड कैनियन किस नदी पर स्थित है? विश्व की सबसे गहरी और बड़ी ग्रांड कैनियन किस नदी पर स्थित है? तो देखिए बहुत फेमस है ये और ये क्या है? यह है कॉलोराडो नदी पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये, जिसको हम ग्रांड कैनियन भी कहते हैं और ग्रांड कैनियन के नाम से ही ये जानी जाती है। और ये कहाँ पे स्थित है? कॉलोराडो नदी पर स्थित है। उत्तरी अमेरिका की ये नदी है, तो ये भी बहुत गहरा और बहुत बड़ा गर्त है इसका, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कहाँ स्थित है? देखिए ये क्वेश्चन अब कई बार क्वेश्चन पेपर्स में आ चुका है, तो इसको भी आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कहाँ स्थित है? विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कहाँ स्थित है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका में और कनाडा के मध्य, जिसका नाम है सुपीरियर झील। कहाँ पे स्थित है? ये है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए और कनाडा के मध्य, जो उनकी बॉर्डर लाइन है उस पर है, सुपीरियर झील के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित प्रसिद्ध पांच झीलों के नाम बताएं। देखिए इनमें से एक झील तो कौन सी है? एक झील तो वो है जो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, यानी कौन सी है? आपको सबको पता है कौन सी झील? सुपीरियर झील। और दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कहाँ पे थी? अफ्रीका में थी, जिसका नाम विक्टोरिया था। और अब हम पूछ रहे हैं कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित प्रसिद्ध पांच झील जो है, जिन जो बहुत फेमस है, वो कौन कौन सी है? तो उनका नाम है सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरन झील, इरी झील और ऑन्टेरियो। यानी सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ऑन्टेरियो, ये पांचों झील हैं जो बहुत ही फेमस हैं और इनको महाझील का स्थान भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। सुपीरियर तो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंस अपने आप में रखती है। यूएस और कनाडा के एक तरीके से बॉर्डर लाइन पे सभी स्थित है, तो ये काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किन जल क्षेत्रों द्वारा घिरा है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, देखिए उत्तरी अमेरिका के जस्ट नीचे दक्षिण अमेरिका हिस्सा है। अमेरिका जो देश है, ये जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, वो कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका
दक्षिण नाम ही महाद्वीप का दक्षिण अमेरिका है, लेकिन ये अमेरिका इसका हिस्सा मतलब इसमें अमेरिका देश नहीं है, ये जस्ट क्षेत्र प्रधानता की वजह से इसको दक्षिण अमेरिका के नाम से जाना जाता है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है। और यूएसए जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है वो किसका हिस्सा है, उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। अब हम बात कर रहे हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किन जल क्षेत्रों द्वारा घिरा है, उत्तरी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किन जल क्षेत्रों द्वारा घिरा है, तो वो कौन से है, उत्तर में कैरिबियन सागर है, पश्चिम में प्रशांत महासागर है और पूर्व में अटलांटिक महासागर इसमें स्थित है। उत्तर में कैरिबियन सागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूर्व में अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। देखिए ये देश है ब्राजील, और ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि दक्षिण अमेरिका में एक तो सबसे बड़ा क्षेत्र ये घेरे हुए हैं, दूसरा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो अमेजन के जंगल है उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा ब्राजील के अंदर आता है। तो ये इसमें बहुत सारे ऐसे ब्राजील के अंदर ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, इसलिए इस देश के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए आपको। ये दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, ब्राजील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सीधा, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है। एक बात आपको पता होगी कि इसकी जो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है वो कहाँ पे स्थित है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है, और दक्षिण अमेरिका जो विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है उसका नाम क्या है, एंडीज पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला इसकी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मानी गई है, ठीक है। और ये अमेरिका के पश्चिम में स्थित है, ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंकाकागुआ पर्वत किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, एंकाकागुआ पर्वत किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। देखिए एंकाकागुआ जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी भी है एंकाकागुआ, और ये एंडीज पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, ठीक है। तो ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भी है, क्या एंकाकागुआ जो है वो दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, और ये किसका हिस्सा है, ये आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला का ही हिस्सा है, और ये सक्रिय ज्वालामुखी भी है, इस बात को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है। तो देखिए ये दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में स्थित है, और इसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, एंजेला फॉल, एंजेला जलप्रपात, ये बहुत ही फेमस है और बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है, डेफिनेटली आप भी घूमने जाइएगा इसमें, ठीक है। वेनेजुएला देश है जो दक्षिण अमेरिका का, एंजेला फॉल यानी एंजेल जलप्रपात जो है वो यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी थी, नील नदी, वो कहाँ पर स्थित थी, अफ्रीका में, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है विश्व की सबसे बड़ी नदी। एक इंसान लंबा है और एक इंसान थोड़ा मोटा ताजा है तो ज्यादा क्षेत्रफल घेरता है, इसी तरह ये जो नदी है ये ज्यादा क्षेत्रफल घेरती है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी नदी। सबसे लंबी नदी नहीं है, सबसे लंबी नदी कौन थी, नील नदी थी, और सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन नदी, जो विश्व का सबसे बड़ा अमेजन जंगलों का क्षेत्र बनाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है, अटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है। देखिए ये बहुत फेमस क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंस रखता है, अटाकामा जो है ये मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क क्षेत्र है, विश्व का सबसे शुष्क क्षेत्र है, इसमें जो ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है, इसकी वजह से इसको मतलब बहुत इंपॉर्टेंस देखा जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट माना जाता है। और ये किस देश में स्थित है, तो ये स्थित है आपका चिली देश में, और चिली देश कहाँ पे स्थित है, आपको पता है ये दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है। हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं जिसमें 1 से 40 तक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और ये है आपका नंबर 41 नंबर क्वेश्चन, और चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें दक्षिण अमेरिका के लास्ट में हम बात कर रहे थे, दक्षिण अमेरिका से कंसर्निंग जो फैक्ट्स थे उनके बारे में बात कर रहे थे, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। धरती के फेफड़े किसे कहा जाता है, धरती के फेफड़े किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, अमेजन के जंगलों को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अमेजन के जंगल जो है वो धरती का बहुत बड़ा हिस्सा जो जंगलों का है वो अमेजन जंगलों का है, और ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, जिसकी वजह से जो संतुलन है एनवायरनमेंट में वो काफी बना रहता है, तो इस वजह से धरती के फेफड़े से कहा जाता है। तो अमेजन के जंगलों को क्या कहा जाता है, धरती के फेफड़े के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें एक बात और, ये विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, ये आपको निश्चित रूप से पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेजेंडा क्या है, फेजेंडा क्या है, तो फेजेंडा के बारे में आप क्या जानते हैं, फेजेंडा कॉफी के बागान है, कॉफी के बागान जो है उनको क्या कहा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है। किस देश में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन होता है, किस देश में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन होता है, तो देखिए सर्वाधिक उत्पादन होता है ब्राजील के अंदर, और वहां पे कॉफी के जो बागान हैं उनको क्या कहते हैं, उन बागानों को कहते हैं
फेजेंडा, और इसी वजह से यहाँ पर दक्षिण अमेरिका से संबंधित ये कॉफी उत्पादन है, क्योंकि वहाँ विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादन होता है। कहाँ होता है? ब्राजील देश के अंदर होता है, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण ध्रुव के चारों ओर स्थित महाद्वीप का क्या नाम है? दक्षिण ध्रुव के चारों ओर स्थित महाद्वीप का क्या नाम है? तो आप सभी जानते हैं क्या नाम है उसका, अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जो विश्व का सबसे ठंडे महाद्वीपों में से एक है, या फिर ये कहें कि विश्व के जो 7 महाद्वीप है उसमें सर्वाधिक जो ठंडा महाद्वीप है वो कौन सा है? अंटार्कटिका है। और इसी वजह से यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो ना के बराबर है, वहां पर कोई भी जो ह्यूमन कम्युनिटी है वहां पर कोई भी स्थायी रूप से वहां पर निवास नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अंटार्कटिका में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही, 1960 में ये गए थे। डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही 1960 में गए थे ये, और इन्हीं के नाम पे वहां पर एक स्थान है जिसका नाम सिरोही पॉइंट है। इनके नाम पर अंटार्कटिका में एक स्थान को जो नाम दिया गया है वो क्या नाम दिया गया है? सिरोही पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित भारत का प्रथम अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित भारत का प्रथम अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? मैत्री। जो प्रथम अनुसंधान केंद्र है वो तो मैत्री है, और दूसरा अनुसंधान केंद्र है वो दक्षिण गंगोत्री है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं आपको दोनों नाम बता रहा हूँ। बाकी जो प्रथम अनुसंधान केंद्र है वो कौन सा है? मैत्री है, और दूसरा अनुसंधान केंद्र जो है वो दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका की खोज किसने की? अंटार्कटिका की खोज किसने की? तो किसने की बच्चों? कैप्टन जेम्स कुक ने 1773 यानी 1773 में कैप्टन जेम्स कुक ने अंटार्कटिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका पर प्रथम कदम किसने रखा? अंटार्कटिका पर प्रथम कदम किसने रखा? किसने रखा? जॉन डेविस ने रखा था 1821 में। जॉन डेविस 1821 में अंटार्कटिका पर पहली बार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनियन किसे कहा जाता है? देखिए, ग्रांड कैनियन के बारे में आपने अभी पढ़ा था कुछ टाइम पहले। तो ग्रांड कैनियन, जब कैनियन की बात आती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैनियन एक्चुअल में है क्या। तो कैनियन किसे कहा जाता है? नदी द्वारा शुष्क क्षेत्रों में निर्मित तेज ढाल वाली घाटियां। जो नदी जो तेजी से बहती है तो शुष्क क्षेत्रों में क्या करती है? वो एक तेज ढाल वाली घाटी का निर्माण कर देती है जहां से वो बहती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कैनियन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे छोटा और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? देखिए अच्छे से इस क्वेश्चन को समझिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे छोटा और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? कौन सा है? वो है यूरोप। बिल्कुल, जो सबसे छोटा है वो है ऑस्ट्रेलिया, और उससे जो बड़ा है यानी दूसरा सबसे छोटा जो है वो कौन सा है? यूरोप है, और जनसंख्या की दृष्टि से यूरोप का तीसरा नंबर आता है। तो इस बात का आप निश्चित रूप से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप के उत्तर व पश्चिम में कौन से महासागर हैं? यूरोप के उत्तर व पश्चिम में कौन से महासागर हैं? तो इसका आंसर देखिए, उत्तर में आपके यूरोप के जो है आर्कटिक महासागर है, और पश्चिम में कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। उत्तर में यूरोप के आर्कटिक महासागर है और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काकेशस पर्वत और काला सागर किस महाद्वीप का हिस्सा है? काकेशस पर्वत और काला सागर किस महाद्वीप का हिस्सा है? देखिए, आपने विश्व का जो मैप है वो देखा होगा, तो निश्चित रूप से आपको ये जगह याद आ रही होंगी। ये काकेशस पर्वत काला सागर किसका हिस्सा है? वो भी यूरोप का हिस्सा है, जो कि दक्षिणी पूर्वी भाग में इसके स्थित है। यूरोप के जो दक्षिणी पूर्वी भाग में क्या काकेशस पर्वत और काला सागर दोनों ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए, यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है वो है वोल्गा, जो कैस्पियन सागर में गिरती है ना। यूरोप की जो सबसे लंबी नदी वोल्गा जो है वो किसमें गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? यह हम सभी जानते हैं, इसका सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, जो बहुत ज्यादा छोटा है और इसकी अपनी कोई सेना भी नहीं है। तो विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैंडिनेविया उच्च भूमि द आर्कटिक महासागर के विस्तृत टूंड्रा प्रदेश किस महाद्वीप पर स्थित है? देखिए, टूंड्रा प्रदेश के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा स्कैंडिनेविया उच्च भूमि व आर्कटिक महासागर के विस्तृत टूंड्रा प्रदेश किस महाद्वीप पर स्थित है? तो पता है आपको क्या है? यूरोप। बिल्कुल, और यूरोप में एक बात और है, टूंड्रा प्रदेश वगैरह जो ये जगह है इनकी वजह से यहाँ पर जो सिट्रस फूड है यानी खट्टे फल जो होते हैं, जैसे कि अंगूर हुए, नींबू हुए, इनका जो कृषि है, इनकी जो फसल है बहुत ज्यादा होती है, इनकी पैदावार बहुत ज्यादा होती है। अंगूर हुए, नींबू हुए, इस टाइप के जो सिट्रस फ्रूट है, खट्टे फल है, उनकी यहाँ पैदावार बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया
और निकटवर्ती द्वीप समूह को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? देखिए ये क्वेश्चन पहले भी एक बार आ चुका है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया और निकटवर्ती द्वीप समूहों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, यानी इन सारे जो द्वीप समूह हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इन सबको इकट्ठा कर दिया जाए तो इनको क्या कहा जाएगा? तो इनको कहा जाता है आरेशिया। ये जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास जितने भी छोटे छोटे देश हैं या द्वीप समूह हैं, उन सबको मिलाकर क्या कहा जाता है? ये आरेशिया का क्षेत्र है या आरेशिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ये निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि सबको पता है कि उस सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा पर्वत का क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबे पर्वत का क्या नाम है? इसका सबसे जो लंबा पर्वत है उसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या नाम है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा पर्वत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार आ भी चुका है। विश्व सबसे लंबी मूंगा निर्मित दीवार। देखिए मूंगा जो होता है वो एक प्रकार का समुद्री जीव होता है और मूंगा बहुत सारे हमारे यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजी होती है उसके अंदर हम मूंगे की अंगूठी भी पहनते हैं, तो वो ही मूंगा है। तो उस मूंगा वो इतनी बड़ी मात्रा में निर्मित हो गया है, इतनी बड़ी मात्रा में वो डेवलप हो गया कि उसने एक बहुत बड़ा एक दीवार खड़ी कर दी है, है ना। और ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी तट है प्रशांत महासागर में, वहां पर एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो मूंगे से दीवार बन गई है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र का निर्माण हो गया है। तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है? विश्व की सबसे लंबी मूंगा निर्मित दीवार जो है वो ग्रेट बैरियर रीफ कहलाती है और ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है प्रशांत महासागर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैरिनो क्या है? मैरिनो क्या है? इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। ये क्या है? भेड़ की एक नस्ल है। ये क्या है? भेड़ की एक नस्ल है मैरिनो, और ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाली जाती है। और जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाली जाने वाली जातियों की बात करती है तो ये आपको पता है कि यहाँ के कंगारू भी बड़े फेमस हैं, है ना। ऑस्ट्रेलिया में कंगारू बहुत फेमस है और मैरिनो की जो भेड़ है वो भी यहाँ की बहुत फेमस है। ये यहाँ पर बहुतायत मात्रा में पाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का तीसरा बड़ा गर्म मरुस्थल कहाँ स्थित है? विश्व का तीसरा बड़ा गर्म मरुस्थल कहाँ स्थित है? तीसरा सबसे बड़ा जो गर्म मरुस्थल है वो कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जिसका नाम क्या है? ग्रेट विक्टोरिया। जिसका नाम क्या है? ग्रेट विक्टोरिया जो है विश्व का तीसरा बड़ा गर्म मरुस्थल है। और इन सबसे बड़ा कौन सा है? सहारा मरुस्थल। सेकेंड नंबर पे कौन सा आता है? अरब का मरुस्थल। और तीसरे नंबर पे ग्रेट विक्टोरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कालगुर्ली व कुलगाड़ी क्या है? कालगुर्ली व कुलगाड़ी क्या है? ये सोने की प्रसिद्ध खाने हैं, तो डेफिनेटली इसको तो आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे। कालगुर्ली और कुलगाड़ी ये क्या है? सोने की प्रसिद्ध खाने हैं जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया के अंदर जितने भी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बड़े मतलब उनके जो नाम रखे गए हैं बहुत अच्छे रखे गए हैं, तो काफी आसानी से याद हो जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की जो प्रमुख नदियां उनका भी नाम भी बहुत अच्छा है, एक है मर्रे और दूसरी है डार्लिंग। मरे डार्लिंग ऐसे याद करते हैं इसको, है? डार्लिंग मरे। चलिए मर्रे व डार्लिंग यहाँ की दो प्रमुख नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? देखिए महाद्वीपों की जो मेन फैक्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिए, अब यहाँ से शुरू होते हैं हम महासागरों पर। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? वो है प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर पृथ्वी का लगभग एक तिहाई हिस्सा जो कवर करता है वो प्रशांत महासागर के द्वारा कवर होता है। पृथ्वी का लगभग एक तिहाई हिस्सा मतलब 1/3 भाग जो है प्रशांत महासागर कवर करता है। और इसकी आकृति के बारे में और पूछा जाता है, महासागरों की आकृति के बारे में और बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो प्रशांत महासागर की जो आकृति है वो कैसी है? त्रिभुजाकार है। याद रखिएगा, प्रशांत महासागर जो है उसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त किस देश के पास स्थित है? पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त किस देश के पास स्थित है? देखिए यहाँ पर यह नहीं पूछा जा रहा है कि किस देश में स्थित है, क्योंकि जो गहरा गर्त है वो आपको पता है प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसको मौरियाना गर्त कहते हैं। और वो किस देश के पास स्थित है? तो सबसे निकटतम जो देश है वो है फिलीपींस। फिलीपींस के पास मौरियाना गर्त है और ये करीबन 11 किलोमीटर यानी 11,000 मीटर गहरा है और प्रशांत महासागर में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा पूरा माउंट एवरेस्ट भी यहाँ पर अगर रखा जाए, उसकी ऊंचाई के हिसाब से रखा जाए, तो वो भी पूरा डूब जाएगा, तभी भी लगभग 2.25 किलोमीटर का हिस्सा पानी के अंदर रहेगा, इतना गहरा है ये पृथ्वी का सबसे जो गहरा गर्त मौरियाना गर्त है वो करीबन 11 किलोमीटर गहरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रशांत महासागर के तटीय भाग को अग्नि मेखला क्यों कहा जाता है? प्रशांत महासागर के तटीय भाग को अग्नि मेखला क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रशांत महासागर के जो तटीय भाग है वहां पर करीबन 60% जो
भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं वो इसके तटीय भागों में आते हैं, इस वजह से इसको अग्नि मेखला कहा जाता है। विश्व के लगभग 60% भूकंप और ज्वालामुखी इसके तटीय भाग में आते हैं, इसकी वजह से इस प्रशांत महासागर के तटीय भाग को अग्नि मेखला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस आकार का महासागर है, देखिए मैंने बोला था कि प्रशांत महासागर है, त्रिभुजाकार था, इसी तरह ऐसा आकार का महासागर कौन सा है, तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, चीज को विशेष तौर पर याद रखिएगा। अटलांटिक महासागर है, उसकी आकृति कैसी है, एस के आकार की है। कैसी आकृति है उसकी, एस के आकार की, और आकार की दृष्टि से ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर भी है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अटलांटिक महासागर आकार की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महासागर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डागर बैंक और ग्रांड बैंक क्या है, डागर बैंक और ग्रांड बैंक क्या है, क्या है ये, यह है मछली पकड़ने का केंद्र। यहाँ पर मछली पकड़ने का केंद्र के तौर पे यहाँ पे मछली उत्पादन, मछली पालन बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में होता है, इस वजह से ये डागर बैंक और ग्रांड बैंक दोनों की दोनों मछली पालन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटलांटिक महासागर में ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य अटलांटिक कटक क्या है, मध्य अटलांटिक कटक क्या है। देखिए मध्य अटलांटिक कटक क्या है, जलमग्न पर्वत तंत्र। अटलांटिक महासागर में कुछ पर्वतीय तंत्र है जो कि डूबा हुआ है और इस वजह से वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वहां जब बड़े जहाज जाते हैं तो उन चीजों को की वजह से उन चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज बहुत बड़ी घटनाएं दुर्घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है। और इसको हम क्या कहते हैं, जलमग्न पर्वत तंत्र जो होता है उसको क्या कहा जाता है, मध्य अटलांटिक कटक कहा जाता है, क्योंकि अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग किस महासागर में माना जाता है, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग किस महासागर में माना जाता है। तो देखिए इसका आंसर है अटलांटिक महासागर, जो विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री जलमार्ग है, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से ये व्यापारिक रास्ता है, क्योंकि यूरोप और उत्तर अमेरिका के मध्य होने के कारण ये दोनों ही विकसित देशों का एक क्षेत्र भी बहुत है, तो यहाँ पर जो है व्यापारिक गतिविधियों की ज्यादा गतिविधियां होने की वजह से ये सबसे ज्यादा व्यस्तम समुद्री जलमार्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, आर्कटिक महासागर है, इसका जो सबसे छोटा महासागर है वो आर्कटिक महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कटिक महासागर किस जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा है, आर्कटिक महासागर किस जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा है, तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है बेरिंग जल संधि द्वारा। जो आर्कटिक महासागर है और प्रशांत महासागर है वो कौन सी जल संधि के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं, बेरिंग जल संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्कटिक महासागर किस जल संधि द्वारा उत्तर अटलांटिक से जुड़ा है, आर्कटिक महासागर किस जल संधि द्वारा उत्तर अटलांटिक से जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर क्या है, डेनमार्क जल संधि द्वारा। डेनमार्क जल संधि द्वारा किससे जुड़ा हुआ है, उत्तर अटलांटिक से आर्कटिक महासागर जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मॉरिशस, मेडागास्कर, श्रीलंका किस महासागर में स्थित है, ये तो निश्चित रूप से हम सभी जानते हैं कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मॉरिशस, मेडागास्कर, श्रीलंका किस महासागर में स्थित है, हिंद महासागर में, निश्चित रूप से हिंद महासागर में स्थित है। और अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, ये भी कहाँ आता है, हिंद महासागर का ही हिस्सा है। इसका अंतिम क्वेश्चन देखिए, किस महासागर का नाम किस देश के नाम से है, किस महासागर का नाम किसी देश के नाम से है, तो हम सभी जानते हैं कि एक ही महासागर है और वो क्या है, हिंद महासागर, जो हिंदुस्तान के नाम पे है, हमारे देश के नाम पे है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है निश्चित रूप से। और इसी गर्व के साथ इस चैप्टर को समापन की ओर ले जाते हैं। चैप्टर नंबर 7 जो आपका पर्यावरणीय प्रदेश है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे आज। और चलिए बिना देरी के हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ताप के आधार पर पृथ्वी को कितने कटिबंध क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, ताप के आधार पर पृथ्वी को कितने कटिबंध क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, तो कितने क्षेत्रों में विभक्त किया है, 3 कटिबंध क्षेत्रों में, और कौन कौन से, उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। तो देखिए इसमें जो डायग्राम से देखते हैं, ये जो ब्लू पार्ट है आपका, इस ये जो धरती का जो ब्लू पार्ट से सोकर रखा है, ये क्या है, शीत कटिबंध है। ये उत्तरी ध्रुव पर है और ये दक्षिणी ध्रुव पर, और ये कहां तक है, ये आपका जो ध्रुवीय सर्किल है, ध्रुवीय वृत्त है, उनमें 66.5 डिग्री तक, 90 डिग्री से 90 डिग्री से 66.5 डिग्री तक का जो सर्कल बनता है, ये जो ध्रुवीय वृत्त बनता है उसमें क्या आते हैं, शीत कटिबंध आते हैं। और 66.5 डिग्री से 23.5 डिग्री जहां पर सूर्य की कभी भी, देखिए उष्ण कटिबंध जो होता है जो भूमध्य रेखा के दोनों तरफ होता है, ये कौन सी है, भूमध्य रेखा है, जो हमारी धरती को मध्य से, भूमि के मध्य से की जो रेखा है वो क्या कहलाती है, भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा के जो कर्क रेखा और मकर रेखा तक का क्षेत्र है, यानी 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ, उत्तरी अक्षांश की तरफ, और 23.5 डिग्री
दक्षिणी अक्षांश की तरफ जो रेखाएं बनती है, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा, देखिए यहाँ पर, यहाँ तक ही सूर्य की सीधी या लंबवत किरणें पड़ती हैं, अन्यथा बाकी जो क्षेत्र हैं पृथ्वी के उनमें कभी भी सीधी किरणें नहीं आती हैं। और यही कारण है कि ये जो क्षेत्र होता है सबसे गर्म होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इससे जो जो पास वाला है वो शीतोष्ण कटिबंध है, जैसे ये कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा तक। तो ये जो हल्के पीले कलर से दिखाया गया है शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र है, और ये दक्षिण वाला क्षेत्र है, दक्षिण का शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है इसको, जो मकर रेखा से अंटार्क्टिका रेखा तक है। तो अपनी समझ, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे जो हिस्सा है बीच वाला ये सबसे ज्यादा गर्म होगा, और जो ध्रुवीय क्षेत्रों का, यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी नहीं पहुंचती है, यहाँ पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। तो इन दोनों क्षेत्रों के बीच में क्या है, शीत और उष्ण कटिबंधों से मिलकर जो बनता है वो शीतोष्ण कटिबंध है। यहाँ दोनों क्षेत्रों का अपना अपना प्रभाव होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। सबसे जो ध्रुवीय क्षेत्र है वो शीत कटिबंध, और पृथ्वी के जो मध्य क्षेत्र है वहां पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है इसलिए उसको उष्ण कटिबंध, और इन दोनों के मध्य जो होता है वो क्या कहलाता है, शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च भूमि क्षेत्र में कृषि के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्यों नहीं है, उच्च भूमि क्षेत्र में कृषि के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्यों नहीं है, तो उसका कारण क्या है, तापमान अत्यधिक कम होने के कारण। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि उच्च भूमि क्या है, उच्च भूमि वो है जैसे पहाड़ी इलाके हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा ऊंचाई होने की वजह से जितना ऊंचा होता जाता है वैसे वैसे तापमान कम होता चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जितने ऊंचे क्षेत्र होंगे वहां पर बर्फ जमेगी, वहां पे जो पर्वतीय क्षेत्र आ जाएंगे, तो वहां ऐसी स्थिति में क्या होता है, वहां तापमान बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जो कि परिस्थिति नहीं होती किसी भी कृषि के लिए। तो वहां पर तापमान कम होने का कारण वहां कृषि के लिए अनुकूल नहीं होता है, और इसी कारण वहां के जो लोग होते हैं वो जो वन है, वन क्षेत्र जो है थोड़ा बहुत, या फिर पशुपालन पर निर्भर होते हैं। और इसका एग्जाम्पल अगर बात करें तो उत्तर भारत में हिमालय पर्वत है, दक्षिण भारत की नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, और उत्तर पूर्व भारत के पहाड़ी इलाके इसके अच्छे उदाहरण हैं। कौन कौन से, उत्तर भारत में हिमालय पर्वत आप बहुत अच्छे से परिचित हैं, दक्षिण भारत में नीलगिरी और अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं वो भी उच्च भूमि क्षेत्र की ही उदाहरण है, उत्तर पूर्व भारत के जो पहाड़ी इलाके हैं वो भी इसके एक अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। एक बात और, जब उच्च भूमि की बात करते हैं तो आपने सुना होगा जो आपका सीढ़ीनुमा खेत होते हैं, सीढ़ीनुमा खेत आपने कहाँ देखे हैं, फोटोज में आपने निश्चित रूप से देखे होंगे, कहाँ पर देखें, जहाँ पे चाय के बगान होते हैं। जो ठंडे इलाके होते हैं वो तीव्र ढलान पर तो कुछ नहीं हो पाता, लेकिन जब वो ढलान थोड़ी सी भी कम हो जाती है तो वहां पर क्या, सीढ़ीनुमा आकृतियां बनाकर खेत बनाए जाते हैं, और उनमें चाय और फलों का बगान नॉर्मली लगाए जाते हैं। और देखिए उच्च भूमि जो क्षेत्र होते हैं वो हमेशा नदियों का उद्गम क्षेत्र है, नदियों का जो उद्गम क्षेत्र जो होते हैं वो हमेशा उच्च भूमि क्षेत्र ही होते हैं सामान्य तौर पे, और इसीलिए जो नदियां निकल रही हैं, उद्गम क्षेत्र का मतलब नदियां जहां से पैदा हो रही हैं, जहां से उत्पन्न हो रही हैं, है ना। तो नदियों का जो उद्गम क्षेत्र होता है वो क्या होता है, उच्च भूमि क्षेत्र ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न भूमि क्षेत्र की भूमि उपजाऊ क्यों होती है, निम्न भूमि क्षेत्र की भूमि उपजाऊ क्यों होती है। तो देखिए नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के जमाव से निर्मित समतल मैदानों के कारण। अब इस बात को समझते हैं, देखिए नदियों का उद्गम कहां से बताया हमने, उच्च भूमि क्षेत्रों से। अब उच्च भूमि क्षेत्र से जब नदियां आती हैं तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी लेके आती हैं, तो वो मिट्टी क्या होती है, निम्न जो क्षेत्र होते हैं उनमें वो जमा होती रहती है, जमा होती रहती है, तो वो धीरे 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 एक समतल मैदान का निर्माण कर देती है। अब चूंकि बहुत सारी जगह से, अलग अलग जगह से जब मिट्टी बहाकर लेके आई जाती है तो उसमें बहुत सारे खनिज लवण, बहुत सारी चीजें होती है, तो वो एक तरीके से बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, और उनसे जब मैदान बन जाता है तो वो कृषि योग्य क्षेत्र हो जाता है, और ऐसी स्थिति में वहां पर महलाते खेतों का जो एरिया है हमारे जो भी पृथ्वी पर, वो सारा क्या है, नदियों द्वारा जो लाई गई क्षेत्र है, जो निम्न भूमि क्षेत्र है वहां पर ये है। और अपने भारत में अगर देखा जाए तो गंगा यमुना के जो मैदान वो इसका एक अच्छा एग्जांपल है, और जनसंख्या के क्षेत्र से भी ये बहुत घना क्षेत्र है क्योंकि समतल मैदान है, यहाँ पर सभी चीजें उपलब्ध होती है, तो इस वजह से ये जनसंख्या सघन क्षेत्र है, यानी यहाँ जनसंख्या भी बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान को धरती धोरारी क्यों कहा जाता है, राजस्थान को धरती धोरारी क्यों कहा जाता है। तो देखिए धोरा का मतलब क्या है, धोरा का मतलब है रेत के टीले, और आपको ये अच्छी रूप से पता है कि राजस्थान में रेत के टीले बहुत हैं, यहाँ पे मरुस्थल है तो यहाँ पे रेत के टीले भी हैं, और इन्हीं रेत के टीलों की वजह से इसको धरती धोरारी कहा जाता है, क्योंकि रेत के टीलों को ही धोरा कहा जाता है, धोरा माने राजस्थान भाषा में धोरा कहा जाता है, तो इसलिए क्या कहा जाता है, रेत के टीलों के कारण इसको धरती धोरारी कहा जाता है। देखिए मरुस्थल कई टाइप के होते हैं, मरुस्थल ठंडे मरुस्थल भी होते हैं, जैसे ठंडे मरुस्थल हमारा जो लद्दाख का एरिया है वहां पर बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से और बर्फीला क्षेत्र होने की वजह से वहां पर किसी भी टाइप का कोई भी वनस्पति नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो भी अपने आप में वो ठंडा मरुस्थल है। और हमारे राजस्थान का जो क्षेत्र है, पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है वो कैसा है, वो आपका गर्म मरुस्थल है, और मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो जीविकोपार्जन मतलब जीविका के उपार्जन यानी जीविका कमाने का कोई साधन है तो सबसे ज्यादा मुख्य जो साधन होता है वो पशुपालन का होता है, और इन गर्म प्रदेशों में जैसे ऊंट पाए जाते हैं, ठंडे प्रदेशों में यॉक पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पेड़ पौधों और झाड़ियों से ढके विस्तृत भूभाग को क्या कहते हैं, पेड़ पौधों और झाड़ियों से ढके विस्तृत भूभाग को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, वन प्रदेश।
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जो पेड़ पौधे और झाड़ियों से ढक जाते हैं जो, और बड़े क्षेत्र जो ऐसे हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जंगल है, वन प्रदेश है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन प्रदेशों में रहने वाले जन समूह को क्या कहा जाता है? वन प्रदेशों में रहने वाले जन समूह को क्या कहा जाता है कि वन प्रदेशों में रहने वाले जन समूह को क्या कहा जाता है? जनजाति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विस्तृत चारागाह और घास के मैदान किस तापीय कटिबंध क्षेत्र में मुख्यतः पाए जाते हैं? तो देखिए, विस्तृत चारागाह और घास के मैदान किस तापीय कटिबंध क्षेत्र में मुख्यतः पाए जाते हैं? आपने देखा था कटिबंध क्षेत्र हमारे पास तीन है, कौन कौन से? उष्ण कटिबंध है, शीत कटिबंध है और शीतोष्ण कटिबंध है। तो आप बताइए किस क्षेत्र में पाए जाएंगे? देखिए, जहां पर ज्यादा उष्णता होगी, ज्यादा गर्मी होगी, वहां पर तो नहीं पाए जाएंगे, है ना, क्योंकि वहां पर तो ऐसी स्थिति होगी, वहां गर्मी बहुत ज्यादा होगी, तो या तो वहां पर वर्षा वन क्षेत्र बहुत ज्यादा मिलेंगे, है ना। और जहां शीत कटिबंध है वहां पर बर्फ ज्यादा होने के कारण वजह से वहां पर वनस्पति ही बड़ी मुश्किल से मिलेगी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कहाँ पाया जाएगा? वो पाए जाएंगे शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में, क्योंकि वहां ना ही तो ज्यादा वर्षा होती है, ना ही ज्यादा ठंड पड़ती है, वो मध्यम वृत्ति का जो एनवायरमेंट होता है, वातावरण होता है, वो वहां रहता है, तो इसलिए वहां पर घास के मैदान बहुत आसानी से पनपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर अमेरिका क्षेत्र में पाए जाने वाले ऊंची घास के मैदान क्या कहलाते हैं? उत्तर अमेरिका क्षेत्र में पाए जाने वाले ऊंची घास के मैदान क्या कहलाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद रखिएगा। इनको कहते हैं प्रेरी घास के मैदान। प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो कि ऊंची घास के मैदान भी है। और इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। यूरोप व एशिया में स्थित छोटी घास के मैदान क्या कहलाते हैं? यूरोप व एशिया में स्थित छोटी घास के मैदान क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? स्टेपी घास के मैदान। स्टेपी घास के मैदान में छोटी छोटी घास पाई जाती है, लगभग एडी के अप्रोक्स, एडी जो होती है आपकी, इतनी ऊंचाई की घास नॉर्मली होती है इसमें, और ये यूरोप और एशिया में बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो इसलिए क्या है, स्टेपी घास के मैदान कहलाते हैं। नेक्स्ट और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? देखिए, ये लोग बहुत प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं, एस्किमो कहते हैं इनको। एस्किमो जो हैं इग्लू में रहते हैं, और जो इग्लू आप जानते हैं बर्फ से बने हुए जो घर होते हैं उनको इग्लू कहते हैं। और दूसरा, ये मछली पकड़ने के अलावा इनके पास वहाँ कोई और साधन भी नहीं है, इनका जो मुख्य भोजन है वहाँ मछलियाँ ही हैं। और यहाँ पे और जो जीव रहते हैं वो जैसे सील मछली है, वालरस है, ध्रुवीय भालू है, ये वहाँ पे रहते हैं। और एस्किमो जो अपनी मित्रता की वृत्ति, मतलब इनके पास जैसे कोई बाहर का व्यक्ति चला जाता है तो उनके प्रति बहुत ज्यादा मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं, इस वजह से भी ये बहुत ज्यादा फेमस जनजाति है। तो ये जो ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, निश्चित रूप से आपको याद रहेगा, एस्किमो कहा जाता है। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, चैप्टर फर्स्ट क्लास 7 के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू।